I'm Momina Mustasin, and if you enjoyed watching this video, please like, comment, share, and don't forget to subscribe to Rewind with Samina Pirzada. जरा इधर आइएगा, आप भी आ जाए, और किन को आप भी आ जाइए जी, और किन आप भी आ जाए. सो आप मुझे बताएंगी कि चाय की रेसिपी क्या है. मुझे एक माइक दे देंगे जल्दी से जी, दे दीजिए फौरन. चाय की रेसिपी क्या है भाई आपकी बेहतरीन? एक कप पानी को सिंपल थोड़ा सा वार्म करना है, फिर उसमें चाय की पत्ती डालें. जब उसको एक या दो अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर आप उसको कप में डालें और स्पेशल टेस्ट के लिए आप उसमें एवरीडे मिलाएं, फिर आप पकी चाय की. हमारी ऑडियंस बड़ी स्मार्ट है, उन्हें पता है कि हम नेस्ले एवरीडे की बात जो है वो करने वाले हैं. बिल्कुल, एवरीडे है तो चाय में है मजा. एवरीडे है तो चाय में है मजा. ओके, और आपकी रेसिपी क्या है जी? सिंपल चाय की रेसिपी यही है कि सबसे पहले आप पानी को बॉयल करें, उससे पत्ती डालें, चीनी डालें और उसको जो है उसमें एवरीडे ऐड करें, तो चाय का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है. गुड, वेरी गुड जी. आपकी क्या रेसिपी है? पहले पानी को वार्म करें, उसमें चाय की पत्ती डालती है, फिर उसमें एवरीडे साथ में शुगर डाल के कप में डाल के चाय साइक सब कर देते हैं. और ये आप भी चाय बनाती हैं? Yes. अच्छा, किसके लिए बनाती हैं? अपने मामा दादी के लिए. अपनी मामा के लिए बनाती हैं? कैसे बनाती हैं? मैं फर्स्ट क्या कहते हैं, अपने पानी को बॉइल करती हूँ, जितने कप बनाने हो, जैसे फोर तो टू कप पानी के, और उसके बाद क्या कहते हैं पत्ती, जब पानी बॉयल हो जाए तो पत्ती डाल के उसको अच्छा से उबाला आ जाता है, तो फिर उसको मैं कप में डाल के तो सर्व करती हूँ एवरीडे के साथ. मुकाबला टफ है. अच्छा, अब किसको दिया जाए यार? हमने ये अपना गिफ्ट हैम्पर देना है नेस्ले एवरीडे वालों का, तो आपके ख्याल में किन का हक बनता है कि उन्होंने सबसे अच्छी रेसिपी बताई? आपने वोट करना है किन के लिए? इनके लिए? अच्छा, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए. ज्यादा वोट उनके लिए है क्या? छोटी बच्ची के लिए है कि इनके लिए? इनके लिए. दोबारा तालियां बजा के बताएं. अब मैं गिफ्ट हैम्पर आधा आधा से नहीं कर सकती, इसलिए आपने मुझे बताना है कि दोनों में से कौन विनर है. आप इधर आ जाओ. अब इसके लिए फाइनली तालियां बजा दीजिए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए मैंने किसको दिया. ऑडियंस दोनों के साथ, मेरे ख्याल दोनों के घर वाले ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पे. लेकिन मैं जो हूँ वो अपनी, चूंकि छोटी है तो इनको इनकी एज का एडवांटेज देते हुए ये आपके लिए नेस्ले एवरीडे का गिफ्ट हैम्पर पकड़ लो. थैंक यू. अच्छा, हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि नेस्ले एवरीडे जो है वो लेकर आया है एक जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला, जिसमें मिक्स चाय जो बनाई जाएगी दुनिया के सबसे बड़े सॉस पैन में, और इसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं. उसके लिए आपको करना यह है कि 90131 पे अभी भी या किसी भी वक्त आप फ्री मिस कॉल करेंगे, कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे. जितनी आप मिस कॉल्स करेंगे उतने चाय के कप ऐड होते जाएंगे, यानी एक मिस कॉल का मतलब है एक चाय का कप, और जितने ज्यादा चाय के कप होंगे उतना बड़ा सॉस पैन बनेगा, उतने बड़े सॉस पैन में चाय बनाई जाएगी नेस्ले एवरीडे की तरफ से खास मिक्स चाय, और फिर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये किया जा रहा है. सो इस तरह से ये एक जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड जिसमें आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो जी, चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए मौसम को, सर्दी को, और लेंगे हम एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ अपने कुछ बहुत स्पेशल. सो ये और बेशुमार और खूबसूरत गाने जो कि आपने सुने हुए हैं, और जो लोग म्यूजिक लवर हैं वो कैसे इस नाम से शनासा नहीं होंगे, हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से नूरी बैंड को. लेकिन आज नूरी बैंड में से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे अली नूर. अली नूर एक खूबसूरत म्यूजिशियन, और उसके साथ साथ कमाल इनकी आवाज, यूथ तो दीवानी है ही इनकी, लेकिन आज ये जिस सिलसिले में आए हैं वो और भी खूबसूरत बात है. इसलिए कि हम हमेशा से कंप्लेंट करते हैं कि जब कार्टून्स की बात होती है, जब बच्चों की बात होती है, तो हम उन्हें या तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनी हुई चीज़ें दिखा रहे होते हैं जिसमें ड्रेस कोड बाज़ुकात उस तरह के नहीं होते जैसे हमारे कल्चर में है, बाज़ुकात लैंग्वेज वैसी नहीं होती, अल्फाज नहीं उस तरह के होते, बाज़ुकात जो बातें हमारे यहाँ बुरी समझी जाती हैं और उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल हैं वो बहुत ज़्यादा उन कार्टून्स में होती है. नतीजतन बच्चे जब उन्हें देखते हैं तो बड़े असर होता है उनके जहनों के ऊपर. लेकिन इन्होंने एक फिल्म में को डब किया, अपनी आवाज दी है उस फिल्म में, और वो फिल्म पाकिस्तान के खूबसूरत कल्चर के ऊपर है बेस्ड. कार्टून मूवी है, बच्चों की मूवी है, बहुत खूबसूरत है, और मुझे यकीन है कि बच्चे उसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं. उसका नाम है ग्लूको अलायार एंड द लेजेंड्स ऑफ मार्कोर.
So, Ali, पहले तो कुछ बात इस हवाले से हो जाए. बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये ग्लूकोपिक फ्रेंड्स वालों का कि उन्होंने ये सोचा तो सही किसी ने. हम लोग तो सिर्फ आज तक बातें ही कर रहे थे कि अपनी भी कोई बच्चों के लिए अपनी चीजें बननी चाहिए जहाँ से बच्चों को अपने कल्चर का पता चले, अपने लोगों का पता चले, है ना जी. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. सो हाउ यू बिकेम पार्ट ऑफ इट? सो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये एक है साहब उज़ैर ज़हीर खान एक हैं एंड आई एम हीज़ अ काफ़ी उन्होंने बुरका एवेंजर भी एक प्रोग्राम उसमें उसमें भी उन्होंने एनिमेशन की थी. तो वो उन्होंने फिर फैसला किया कि एक फिल्म बनाना चाहते हैं. ठीक है. तो वो हमें कहीं मिले, एक शादी पे मिले और हम ऐसी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक एनिमेशन फिल्म बना रहा हूँ तो आप कोई गाने वगैरह करेंगे हमारे लिए? मैंने कहा ज़रूर कर लेंगे मगर हमें शौक, मुझे मैंने कहा मुझे बहुत शौक था कभी कोई यू नो कोई वॉइस एक्टिंग करने का एंड एवरीथिंग. ये कह कर आके बात ख़त्म हो गई. कुछ 7-8 महीने के बाद उनका फ़ोन कॉल आ गया कि जी हम तो बाकी करना चाहते हैं. अच्छा. मैंने कहा ये तो सीरियस हो गए लोग, मैं तो ऐसी बात कही थी. तो फिर मैं गया, मैंने उनका स्टूडियो देखा और मैं हैरान हो गया कि उनके स्टूडियो का नाम है थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो. ठीक है. और जो पूरा का पूरा जो उनकी एनिमेशन बहुत बहुत मुश्किल काम है. मैं आपको, हम लोग तो देख के आराम से रिलैक्स हो जाते हैं. एक एक सेकंड पे कितने कितने घंटे लग जाते हैं? ना सिर्फ घंटे, बेशुमार लोग. तो कुछ 50-60 पता नहीं कुछ 70 लोगों का एक उनका पूरा था और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था थर्ड वर्ल्ड स्टूडियोज. तो मैंने कहा ये थर्ड वर्ल्ड स्टूडियोज आपने नाम क्यों रखा? उन्होंने कहा जी देखिये हमारी जो मेरा जो बेसिक उनका काम करने का रीज़न था वो ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ मिलके ये काम करना चाहते. तो बाहर से भी उन्होंने वैसे बहुत बाहर के मुल्कों के बड़े बड़े काम किए हुए थे एनिमेशन वगैरह के. उनका जी मैं सो ही वाज वेरी पेट्रियाटिक पर्सन और उनका जो 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 उनका जो एक लव फॉर द कंट्री है उसको उन्होंने इस तरह से ट्रांसलेट किया कि वो इधर के लोगों के साथ ही सारा काम करेंगे, वो जो कि वेस्ट में भी बड़ी यू नो हाई एंड लेवल पे होता है. तो वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की और मुझे भी बड़ी अट्रैक्ट की है जी. और आपने जिक्र किया तो मैं यहाँ पे बताते चलूँ, फ्रोजन आप लोगों ने देखी भी है ना कार्टून मूवी फ्रोजन, बच्चों को बहुत पसंद है. आपको पता है उसके विजुअल इफेक्ट्स जो है वो एक पाकिस्तानी ने बनाए थे जिसको फिर ऑस्कर एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था. उनका नाम है मीर जफर अली जी. सो ही इज अ पाकिस्तानी. तो ये भी इसी किस्म के काम करते थे. सो पाकिस्तान में बेसिकली बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज का एनिमेशन का काम आता है बिकॉज इट्स चीपर हियर, लेबर इज रिलेटिवली चीपर. तो ये लोग करते हैं काम तो इन उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होती. तो उन्होंने कहा यार ये तो पाकिस्तान के लिए भी तो काम आनी चाहिए कि बाहर के मुल्कों को भी भेजते जा रहे हैं. सो उन्होंने ये पहला इनिशिएटिव उसके लिए लिया और ये फिल्म जो है इसका सारा जो थीम उन्होंने बनाया क्योंकि ये इनको जानवरों का बहुत शौक है. अच्छा. और इन्होंने जो सारी थीम बनाई वो इसी कॉन्टेक्स्ट से बनाई कि यार एक एडवेंचर हो जिसमें एनिमल्स भी हों, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी हों, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज भी दिखाऊं, लैंग्वेज भी पाकिस्तानी हो मगर ऐसा ना लगे कि जैसे कि अंग्रेजी फिल्म की कॉपी बन गई. ठीक है. तो वाकई में उनका आइडिया भी बहुत इंटरेस्टिंग था. दिल से किया तो उसमें ओरिजिनलिटी बहुत है और फिर टेक्नोलॉजी और जो भी उसका सारा काम है उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं बरती. तो मैं इस सब चीज से बहुत इंप्रेस हो गया. मतलब कि नॉर्मली मैं बिल्कुल फिल्मों से और उन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ बिकॉज मेरा काम सिर्फ म्यूजिक का है. और तो ये चीज मुझे इतनी अट्रैक्ट की कि फिर मैंने उनके साथ काम शुरू किया. तो डबिंग तो 2 दिनों में खत्म हो गई, बहुत जल्दी था कि वो. लेकिन उसके बाद जो हमारी दोस्ती बन गई और जहाँ फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत सारे आइडियाज शेयर करना शुरू हो गए क्योंकि आई थिंक उनकी विजन भी ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें. और हम तो पिछले 10-20 साल से कर ही सिर्फ यही रहे थे. हाँ. हमारा सारा काम सारी वो हम लोग एज नूरी एंड एज पर्सनल एज अली नूर एज वेल, मेरा सारा काम पाकिस्तानी बेस्ड. हम कभी बॉलीवुड नहीं गए, हमने अमेरिका में जाकर टूर्स नहीं किए, हम तो बस यही काम करते रहे. तो हमारी बहुत अच्छी एक फ्रीक्वेंसी बनी. फ्रीक्वेंसी एंड आई एम आल्सो वेरी ग्लैड. इसलिए कि जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसमें क्वालिटी आपको वही मिल रही है जो कि आपको एनिमेटेड फिल्म्स जो कि और दुनिया में एनिमेटेड फिल्म्स टॉप रेटेड फिल्म्स रही हैं और रहती हैं. इवन ये जो नॉर्मल फिल्म्स होती हैं उनसे भी ज्यादा बाज़ुकात फिल्म्स जो है वो देखी जाती हैं और पसंद की जाती हैं. और ये कि पाकिस्तान में वैसी बहुत कमी है. देखिए ना कुल 3 एनिमेशन मूवीज आई हैं टोटल पाकिस्तान में. तो ये एक बहुत बहुत ही मतलब आम जो फिल्म मेकर थे वो तो इस आइडिया को ड्रॉप ही कर चुके थे कि ये पॉसिबल भी होगा. हाँ, तो बच्चों के लिए काम तो, करना हाँ. और
और फिर इवेंचुअली देखिए ग्लूको ने भी सपोर्ट करने का फैसला कर लिया. सो दैट्स अ बिग डील कि उन्होंने अपने सारे पैसे खुद लगाए, कोई एक रुपए की कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी. तो जब ये पूरी फिल्म कंप्लीट हुई तो फिर उनको स्पॉन्सरशिप मिला. तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है. आमतौर पर लोग ऐसे काम नहीं करते, वो पहले स्पॉन्सर्स ले लेते हैं या कोई इन्वेस्टर्स ले लेते हैं. तो इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जिंदगी भर की इसमें लगा दी है. अच्छा आपने कहा है तो मेरे जहन में आया, बाय लुकिंग एट यू कोई भी यू कैन बी वो मेरा सुल्तान भी हो सकते हैं आप. आपका अच्छा, लुक्स ऐसी हैं, बाय द लुक्स यू हैव माशाल्लाह. अच्छा, तो व्हाई यू नॉट एक्टिंग? क्यों नहीं कभी सोचा कि मैं ये भी काम कर लूं? उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि मुझे एक्टिंग आती नहीं है. सीधी सी बात है, आजकल एक्टिंग आना जरूरी नहीं. हाँ, मगर मेरे मेयार के मुताबिक आना है जरूरी है. कोई भी काम सीखे बगैर मैंने ट्राई किया छोटा सा एक दफा. हमारे गजनफर अली साहब होते थे इंडस म्यूजिक पे, तो उनका हम बड़ा एहसान मानते हैं. तो उन्होंने कहा हमारी फिल्म में ड्रामे में एक्टिंग करो. मैंने किया तो मुझे एहसास ये हुआ कि यहाँ पे जो जनरली एक्टिंग और उस सब में है वो एक बिजनेस बन चुका है बहुत ज्यादा. तो वो सब वहाँ पे मुझे कोई लाइंस नहीं भी पता होती तो कहते कर लें, तो वो फिर वो कल्चर मेरी समझ में नहीं आया. दैट्स अ मेन रीजन. आई डोंट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ ड्रामास एंड एक्टिंग ओवर हियर. आई थिंक अभी वो जिस तरह हमें म्यूजिक में बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं, हर चीज अपनी मर्जी से कर सकते हैं और फिर उस काम की क्वालिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं. इधर ऐसा है नहीं, बिकॉज यहाँ पे पूरा जो ड्रामे के जो पूरी पूरी टीम्स हैं, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन अ डेली वेजेस, यू नो, एंड शिफ्ट है, द कास्ट इज इन्वॉल्व लाइक दैट. तो वो एक कल्चर बन चुका है. तो फिर वो एक्टर्स जो है उसकी और प्रोड्यूसर की आपस में सिर्फ एक टग ऑफ वॉर चल रही है. वो कह रहा है मेरे दिन एक्स्ट्रा कर दो, प्रोड्यूसर कह रहा है कम कर दो. ये अप्रोच मेरी समझ से थोड़ी बाहर. हाँ, बिकॉज मेरी रोजी रोटी तो बिल्कुल एक ऑफ. हम तो जाके दो घंटे जाके स्टेज पे नाच के पैसे कमा के आ जाते हैं. तो जब उसकी आदत पड़ चुकी हो तो कौन आदमी 20 दिन में इस तरह से एक छिंज में पड़ा रहे. तो कभी कभी फिल्म या तो मुझे लगता है ये कि ये फिल्म या ड्रामा कभी करूँ तो खुद बनाऊं. अच्छा, तो फिर पाइपलाइन में है ऐसे कोई थॉट? मतलब थॉट है कि थोड़े से पैसे जमा कर, जिस तरह इन्होंने फिल्म बनाई एग्जैक्टली इसी तरह था. ये अप्रोच एक नई बनी, ग्रेट इनिशिएटिव जिसने ग्लूको के पार्टनर होने से चीजें और भी ज्यादा होपफुली बेहतर होंगी. लेकिन खास तौर पे इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो बात की गई है ना, वो भी एक बड़ी खूबसूरत बात है. जी, बहुत पाकिस्तान के इंडिजिनस जो एनिमल्स हैं, खास तौर पे अभी मैं स्क्रीन पर एक जानवर की तस्वीर दिखाती हूँ. आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा जानवर है, ठीक है ना, जो बूझेगा उसके लिए भी हमने गिफ्ट रखा है. जी दिखाइएगा ये जानवर कौन सा है, किस किस को आता है? बहुत सारे लोगों को आता है, फिर इसके बाद गिफ्ट तो नहीं दिया जा सकता, गिफ्ट सबको आता है. आवाज से बता दें क्या नाम है इस जानवर का? अच्छा, और मारखोर जो है ये किस मुल्क का कौमी जानवर है? वेरी गुड. लेकिन सही से बताना है ऑनेस्टली, अगर थोड़ी देर पहले ब्रेक में मैं अपनी टीम के साथ ये बातें ना कर रही होती तो भी आपको पता था. ब्यूटीफुल, देन क्लैप फॉर योरसेल्फ. कि हमें नहीं पता होता कि हमारा कौमी जानवर मारखोर है. इसमें ये जो लेजेंड्स ऑफ मारखोर की बात हुई है, ये पाकिस्तान के उस कौमी जानवर, देखिए पाकिस्तान के इंडिजिनस एक जानवर है. पाकिस्तान का मारखोर जो है पाकिस्तान का कौमी जानवर है. चकोर कौमी बर्ड है. और जो स्नो लेपर्ड है वो हमारा कौमी प्रेडिटर है. ये सब डिविजन है. तो ये बाकायदा इन्होंने पूरी रिसर्च अपनी की और मेरे ख्याल है कि इनकी ये एक बहुत बड़ी इनकी एक जिसे कहते हैं ना एक अचीवमेंट है कि ये उन लोगों में बहुत ही ग्रास रूट बेसिक लेवल पे पाकिस्तान के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उससे एक पेट्रियटिज्म का एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली डेवलप कर रहे हैं. बिल्कुल. तो अच्छा, लेकिन इसमें बात हो रही है कुछ स्नैक्स भी ऐसे, मुझे नहीं पता, मैंने फिल्म नहीं देखी, देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें अल्लाह यार जो है वो हेल्दी स्नैक्स के तौर पे ग्लू को यूज करता नहीं, है और कुछ ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं, इतना ब्रांडेड नहीं है. अच्छा, इतना ब्रांडेड हम लोग इस हद तक इसकी ब्रांडिंग है कि जो इसको जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो इन्होंने सपोर्ट किया. ठीक है, ब्रांड्स का काम इसके बियॉन्ड कुछ हो नहीं सकता. बिल्कुल सही, तो होना भी नहीं चाहिए. उनका काम पेट्रोनेज देना है, उनका काम हम फिल्म के जरिए बिस्किट बेच नहीं सकते. बिल्कुल सही है, ये मकसद नहीं होता. तो बस इसकी हद तक इतनी ही लेवल की स्पॉन्सरशिप है उसके लिए. लेकिन दोनों थीम्स बड़े कमाल लगे मुझे, बच्चों के लिए पाकिस्तानियत, पाकिस्तानी कपड़ों में तो लोग नजर आएंगे ना, बोलते हुए तो नजर आएंगे, पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर तो नजर आएंगे, इन जानवरों का तो जिक्र होगा जिनका कभी किसी ने सुना ही नहीं कि ये भी कोई जानवर है और इनके ऊपर कभी ना बात की गई. सो अलीनूर, हम कंटिन्यू करेंगे
लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलने। खुश आमदीद। अब हम वेलकम करेंगे अपनी एक ऐसी मेहमान को जिन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान की खवातीन किसी से कम नहीं है, चाहे वो खेल का मैदान हो या दुनिया का कोई और मैदान। उनके अंदर वो तमाम पोटेंशियल और सलाहियतें मौजूद हैं जिसके साथ वो मर्दों के शाना बशाना काम भी कर सकती हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा सकती है। आपको भी हैरत हुई होगी जब आपने पहली दफा क्रिकेट ब्रॉडकास्ट में खातून को एनालिस्ट के साथ बैठे हुए एंड पार्ट ऑफ द सेरेमनीज और फिर वहां पर मौजूद देखा। तो मैं भी एक लम्हे के लिए सोचती थी खातून पाकिस्तानी है, क्योंकि इतना मेल डोमिनेटेड ये जो एरिया था और डोमेन थी उसमें इनकी एंट्री एक ताजा हवा का झोंका थी। सो लेट्स वेलकम ज़ैनब। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स एंकर या क्या और क्या क्या कहा जा सकता है? एंकर, प्रेजेंटर, एनालिस्ट, सब कुछ। सो क्रिकेट से जो दिलचस्पी है वो पहले भी थी या फिर मीडिया में आने के बाद ही डेवलप? मुझे बचपन से जुनून है क्रिकेट का। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ पे आई थिंक आई वाज द ओनली गर्ल एंड सारा वक्त स्पोर्ट्स जो था हमारे घर में बहुत फॉलो की जाती थी, चाहे टेनिस हो चाहे क्रिकेट हो, तो बस उनके साथ देखते देखते। प्लस मेरे जो फादर हैं ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, नॉट एट अ नेशनल लेवल लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे वो खेलते थे। ठीक है। एंड माय मॉम वो लिखती थी क्रिकेट के ऊपर, तो मेरा ख्याल है समवेयर। अच्छा, अम्मा क्रिकेट के ऊपर लिखती थी। अच्छा, गुड। तो इसका मतलब है आप हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि जेनेटिकली किस तरफ से आया है। हाँ, लेकिन दोनों तरफ से ही आपको ये इनहेरिट हो रही है ये टैलेंट। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आज जिस हवाले से हमारी अभी बात होगी उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वो है कोको कोला का एक जबरदस्त इनिशिएटिव, जो फीफा ट्रॉफी जो 2018 ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में आ रही है। फीफा वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों का एक पैशन है, पैशनेट एक स्पोर्ट है जिसको पूरी दुनिया में बहुत फॉलो किया जाता है, तो पाकिस्तान में बहुत इसके लवर्स मौजूद हैं। यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल जो ये ट्रॉफी पाकिस्तान को लेकर आ रहे हैं, है ना? जी। 24 आवर्स के लिए सिर्फ ये ट्रॉफी पाकिस्तान में आएगी? बिल्कुल, सिर्फ एक दिन के लिए आएगी। एंड जैसे कि आपको पता है क्रिकेट तो हम देखते ही हैं, लेकिन फुटबॉल जो है इट्स प्रॉब्ली द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन पाकिस्तान। हमारे अपने घर में जो बच्चे हैं जनरली ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल हम देख रहे होते हैं कि फुटबॉल जो है लोग अब आहिस्ता आहिस्ता से काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, हर एक ने अपने क्लब्स। अभी कल भी वो चल रही थी कि वो जी रोनाल्डो की वो बहुत टीम जो है वो हार गई है और कौन सी टीम लीड ले गई है, सो एवरीबॉडी इज वेरी मच इन टच। एक लॉयल्टी जो है फैक्टर हमें नजर आता है टीम्स में और लोगों में, तो आई फील कि ये बहुत अच्छा है। इट्स जबरदस्त इनिशिएटिव बाय कोका कोला कि द ट्रॉफी इज कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, जो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी है यू नो रशिया में होगा लेटर ऑन वर्ल्ड कप, तो ये पहली दफा आ रहा है एंड कोका कोला इसको ला रहा है। एंड ये है कि आप लोग जो है 3 फरवरी को जा सकते हैं इसके साथ लेक सिटी, वहाँ पे पिक्चर्स खिंचा सकते हैं ट्रॉफी के साथ। बहुत से फुटबॉल एंथुजियास्ट हैं, ट्रॉफी दरमियान में पड़ी होगी और आप दूर दूर से उसके साथ पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, बिकॉज़ इट्स अ ट्रॉफी, इट्स अ बिग थिंग। हां, सेल्फीज भी। सो आई थिंक जबरदस्त है। एंड यू नो हमें इस तरह के मौके कहाँ मिलते हैं कि यू नो एक हिस्टोरिक इवेंट हो इस तरह का कि फुटबॉल लाइक फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान। मेरे बच्चे खेलते हैं और क्लब फुटबॉल खेलते हैं बाकायदा, एंड दे मतलब अंडर 15 की टीम में मेरा बेटा जो है वो खेला है एंड ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर। So, मैंने उसे जिक्र किया, मुझे पता है क्रिकेट का पैशन। उनके कमरे में रोनाल्डो का पूरा वॉल साइज पोस्टर है। हाँ। मुझे उसका नंबर भी याद हो गया और मैं आते जाते कहती यार इस बंदे की तस्वीर जो है ना ये तो हर वक्त, बट दे आर सो क्रेजी। बस अब आपको उनको सब लोग हाँ उनको सब लोगों का पता है जिनके हमें नाम भी प्रोनाउंस करना मुश्किल होते हैं। हाँ। मगर दे नो इट, और बच्चे जो है वो आजकल के बड़े फुटबॉल क्रेजी, विच इज गुड थिंग। नहीं नहीं, डेफिनेटली यू सी के देखिए एक ज़माने में हमारी हॉकी बहुत हॉकी की टीम अच्छी होती थी, फिर और भी जो है स्पोर्ट्स में हम लोगों ने अपना नाम बनाया, लेकिन काफ़ी देर से एक डिप आया है। ठीक है, क्रिकेट तो चले चलती रहती है, इसलिए मुझे एटलीस्ट खुशी है कि फुटबॉल के रिवाइवल के लिए भी कुछ किया जा रहा है। एंड दिस इज सोली कोक्स इनिशिएटिव। ये एक विजन है उनका, लॉन्ग टर्म विजन कि फुटबॉल को रिवाइव किया जाए।
और उसके लिए ये स्टेप्स जो हैं ये लिए जा रहे हैं. बहुत अच्छे स्टेप्स हैं. आई एम रियली हैप्पी क्योंकि अगर मेरे बच्चे ना खेलते होते तो मुझे ना पता होता. लेकिन मुझे एक चीज़ पे अफसोस भी है और इस हवाले से इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए मैं उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि फीफा पाकिस्तान ने फीफा ने पाकिस्तान को बैन किया है बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल रीजन्स जो सपोर्ट नहीं की गई. सो आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए. कुक ने तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यूथ के इस पैशन को जहन में रखते हुए वो ट्रॉफी को यहाँ पे ला रहे हैं ताकि जो लोग फुटबॉल लवर हैं वो देख सकें एसोसिएट कर सकें. बट गवर्नमेंट नीड टू टेक दिस इनिशिएटिव एज वेल. आपको पता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिसको फॉलो करना ज़रूरी था टू बी ए मेम्बर ऑफ फीफा बट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया और उनको नहीं उस तरह से रिस्पॉन्ड किया. देखिए अगर आपके किसी भी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना तो इसी तरह होगा. अब ये है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग बट नोबडी नोज अबाउट देम बिकॉज़ देयर इज नो वन टू क्वेश्चन. सो एटलीस्ट इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हो लोगों तक आपकी आवाज जाती है उसकी एक हाइप बिल्ड होती है और फिर यू नो उस पर वो एक सॉर्ट ऑफ जिसे हम कहते हैं कि मीडिया प्रेशर भी आ जाता है. अब क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सारी कौम की नजरें उस पर हैं. तो ये नहीं हो सकता मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन लेकिन अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है. तो आई फील कि जब तक के फुटबॉल में भी एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर नहीं आएगा और वो तभी आएगा अगर आप इस तरह के इनिशिएटिव्स लोगे लोगों को एंगेज करोगे ऑन अ बिगर लेवल and then you know you can take it forward. बिल्कुल सही. आपको लगता है कि prospects हैं football के भी उतना ही बड़ा एक game sport बनने की पाकिस्तान में? मैं आपको बताऊं लियारी जैसी जगह में football खेली जाती है और हमारी team जाके internationally जीत के आई. it's not के पाकिस्तान में कोई talent की कमी है. You know literally you will see वो हमारे under 14 बच्चों की team थी Zainab जिसने जाके तो वर्ल्ड चैंपियन दे बिकेम वर्ल्ड चैंपियन इवेंचुअली. और लियारी के बच्चे थे जिनके पास फटे हुए जॉगर्स थे जो बहुत उससे खेलते थे. तो अली ये पोटेंशियल है पाकिस्तान का जिसकी हम बात कर रहे हैं व्हिच इज अ ग्रेट थिंग है ना. बिल्कुल सही कह रही हैं. तो आई फील के यू नो टैलेंट की जब आप बात कर रहे हो तो टैलेंट को भी एक चैनल चाहिए होता है टू नर्चर इटसेल्फ. तो इस लिहाज से आई वुड से कि ये जो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है. यू नो ट्रॉफी इज कमिंग उसके अलावा इनके और भी आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने प्लान आउट किया हुआ अपना कि किस तरह इस इंटरेस्ट लेवल को और एंगेजमेंट लेवल को ऊपर रखेंगे. तो अगेन यू नो कूरस को कोक एंड बस आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड. मेरे घर में सब फुटबॉल देखते हैं. हां फुटबॉल लवर हैं. चेल्सीज एंड आर्सेनल और इन तमाम लोगों का मुझे तो नाम भी नहीं पता. आपको पता है लीनूर लीग्स के नाम? मुझे तो हालांकि मैं सुन रही होती हूं आपके बारे में कुछ भी नहीं पता. कुछ भी नहीं पता. अच्छा लेकिन माय फैमिली इज आल्सो स्पोर्ट एंड स्पेशली फुटबॉल क्रेजी. ये अभी पिछले दिनों लीग मैचेस जो चल रहे थे रात के भी लेट नाइट जो मैचेस हैं इवन दूसरे चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं तो उन्होंने उन चैनल्स को भी ट्यून करके देखना है और जरूर उनको फॉलो करना है. सो आई नो कि यूथ हमारी कितनी एंथुजियास्टिक है इस बारे में. व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव. मैंने अपने बच्चों को बताया क्या ट्रॉफी आ रही है यहाँ पे तो दे वर ऑल एक्साइटेड. हाँ हम जाएंगे हम देखना चाहते हैं. नहीं डेफिनेटली आई थिंक बच्चों के लिए मोर इम्पोर्टेंटली यू नो लाइक मैं जब भी कोई चीज़ पोस्ट करती हूँ तो सबसे ज़्यादा नीचे मुझे बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं कि यू नो वी वांट टू कम एंड टेक अ पिक्चर विद द ट्रॉफी और बी देयर. तो आई फील कि ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है. आपके पास ये बार बार नहीं होता. ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये ट्रॉफी जो है टूर कर रही है. आई थिंक गोइंग टू 61 कंट्रीज और समथिंग एंड पाकिस्तान और इवेंचुअली वही ट्रॉफी है जो चैंपियन होगा वो रशिया में इवेंचुअली चैंपियन विल हैव दिस ट्रॉफी. बिल्कुल. उसके अलावा यू नो हम जिस तरह के इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें ये भी है कि अगर आप एक इफ़ यू विन यू कैन गेट अ चांस टू गो एंड एक्चुअली बी पार्ट द कॉइन टॉस. यू नो जिस तरह वहाँ पर जब आप जाते हो तो एक कॉइन टॉस होता है तो जो लकी विनर होगा पाकिस्तान से वो वहाँ पर जाके रिप्रेजेंट करता है. ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है अनफोल्ड होंगी. आप लोग देखते रहिए. अच्छा. आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो तीन लोग हैं जिन तीन लोगों का मुझे पता है उनमें एक आप हैं एक पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है एक यूनुस खान हमारे लेजेंडरी यूनुस खान क्रिकेटर जो कि वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर्स. वो जितना कमाल क्रिकेटर हैं यूनुस खान हमने उनको शायद उस तरह से नहीं इतना अप्रिशिएट किया बट ही इज. आप तीन लोग हैं जो कि थाईलैंड से ये ट्रॉफी लेकर आएंगे है ना. तो ये फील भी तो बड़ा जबरदस्त होगा. और इसमें देखिए दो खवातीन हैं. बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी होती है. और सना मीर जैसे कि आप सबको ही पता है कि
अगर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट में किसी का नाम है तो वो सना मीर का है। जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड वो एक बड़ी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है उनकी, बिकॉज जब वो आके पब्लिक में बोलती भी हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको देखते हैं बोलते हुए, तो मुझे तो बड़ी पर्सनली खुशी होती है कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो कि जा रहा है। एंड देन यूनुस खान, उनके बारे में तो जितना मेरे आई डोंट थिंक आई हैव वर्ड्स फॉर हिम। आई थिंक परहैप्स पाकिस्तान बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ओवरऑल, जितने मैचेस उन्होंने हमें जिताए हैं, मतलब हम आपको पता है जल्दी विकेट्स हमारी लूज हो जाती है फिर यूनुस खान आके बचा रहे होते हैं पाकिस्तान को, तो आई फील के मुझे बहुत यू नो प्राउड फीलिंग है कि मैं इन लोगों के साथ जाके ट्रॉफी को वापस ला रही हूँ। सही, हु आर द स्पोर्टिंग आइकॉन्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही, इतना क्रिकेट प्रेजी है हम लोग, हम हर बंदा क्रिकेट का फैन है। आपको लगता है कि फुटबॉल को अपनी जगह बनाने का मौका जो है वो मिल जाएगा आगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स? जैसे कि मेरा बेटा खेलता है ना, तो ज़रा अक्सर उससे बैठ के बात करती हूँ, मैं कहती यार तुमने क्या करना है, कहता मैं आई वॉन्ट टू प्ले ऑन नेशनल लेवल। तो मैंने फिर उसे समझाया, मैंने कहा विच नेशनल लेवल, यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ, सो इवेंचुअली इफ यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल आई विल हैव टू सेंड यू अब्रॉड। सो ये कितनी एक एक जिसे कहते हैं बदकिस्मती है, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ कोक कि उन्होंने ये यूथ के सेंटिमेंट को और पोटेंशियल को अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए जगह होनी चाहिए। देखिए ये स्लो प्रोसेस है, ये नहीं है कि कोई चीज़ ओवरनाइट ठीक हो जाती है। जब इतने इश्यूज हों एट अ ग्रास रूट लेवल तो थोड़ा टाइम लगता है, आप यू नो बेबी स्टेप्स लोगे, आहिस्ता 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 चीज़ें उस तरह से आएंगी। तो एक विज़न है आई फील कोक का जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा और फिर उसके डिफरेंट फेजेस हैं, एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर दैट। और भूलिएगा नहीं 3 फरवरी को अगर आप भी फुटबॉल लवर हैं और आप भी फीफा ट्रॉफी को नज़दीक से देखना है, उसके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो ज़ैनब भी वहाँ पर होंगी और फीफा ट्रॉफी वहाँ पर होगी, फीफा ट्रॉफी 2018। और ये थोड़ी सी देर के लिए पाकिस्तान में 24 आवर्स के लिए, और आप लेक सिटी में जाकर उस कोक फेस्टिवल में आप उसके साथ तस्वीरें बना सकेंगे। सो ये एक इन्फॉर्मेशन रखी हमने आपके साथ शेयर करनी थी। ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद हमारी गपशप हमारे दोनों खूबसूरत मेहमानों के साथ। खुशामदी जनाब, अली नूर से मिल रहे हैं आज हम, ज़ैनब अब्बास से मिल रहे हैं आज हम, और गपशप इनसे करेंगे बहुत सारी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो मुझे करता है अली नूर वो ये कि म्यूज़िक कैसे बनाते हैं आप, इतने कमाल गाने, लिरिक्स पहले सेलेक्ट करते हैं, म्यूज़िक पीस पहले बनाते हैं, दोनों को ब्लेंड करते हैं, कि क्या है म्यूज़िक जर्नी आपका जो है? मेरी म्यूज़िक जर्नी इन दोनों चीज़ों से नहीं आती। नहीं आती, कहाँ से फिर? वो मेरी सोसाइटी के इंटरेक्शन से आते हैं सारे गाने। सो आई हैव, ये मेरा म्यूज़िक जो है मेरी ज़िंदगी का सिर्फ समझ लें 10 या 15% हिस्सा है, बाकी जो मेरा काम है वो मेरे नाना ने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया फिलोसफी एंड आर्ट्स का, वहाँ से शुरू, फिलोसफी एंड आर्ट्स का एक स्कूल था, अच्छा, वहाँ से मेरा बेसिकली शौक बढ़ा। मैं अगर ये ना करता तो मैं पॉलिटिक्स कर रहा होता, मेरा हमेशा शौक था कि सोसाइटी को बेहतर बनाना है, लोगों को झाकू, बट ये एहसास हुआ कि हुकूमत का हिस्सा बन के तो कुछ कर नहीं सकती, हुकूमत तो किसी काम की नहीं है। तो म्यूज़िक वॉज द सेकेंड बेस्ट थिंग जिसमें मैं लोगों के साथ एक बहुत ही प्योर तरीके से कनेक्शन कर सकता था, आइडियाज शेयर कर सकता था, और अभी भी मेरा मेन रोल वही है। ठीक है, कब आपको अंदाजा हुआ था कि यू हैव ब्यूटीफुल डीप सोलफुल हार्ट टचिंग वॉइस? I don't have a deep, soulful, heart-touching voice at all, number one. जो लोग नूरी को जानते हैं, and I think I'm the weakest singer in my family. अच्छा? जी. अगर weakest singer की ये हालत, the strongest singer है वो. हाँ, the strongest. Who's the strongest then? I think it's my father, and मेरे माँबाप तो दोनों, मतलब my father is a civil servant. और मैंने भी वकालत की, मकसद म्यूजिक करने का तो बिल्कुल भी, कभी सीरियसली प्रोफेशन करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, बट ये है कि मेरी अम्मी भी जो है वो एक क्लासिकल म्यूजिशियन है, बट आई थिंक हम लोग पहले लोग थे, हमजा कभी कोई प्लान नहीं था म्यूजिक परसू करने का। अच्छा, अगर आप हमजा और खुद में रेट करें तो हु इज बेटर सिंगर? हमजा, एनी डे, मच मच बेटर, मच मच। अगर मैं हमजा से पूछूंगी तो वो कहेगा अली, वो भी कहेगा मैं ही हूं। इसकी वजह है कि मेरी जो ट्रेनिंग है ही है वो सिंगिंग से कहीं ज़्यादा और चीज़ों में रही, प्रोडक्शन में रही, वीडियो मेकिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन,
lyrical content development. But I'm more of a thinker than I am as a music is just something that I pursue because I have the talent for it. But my sabse kam talent hai compared to everybody else. ठीक है, ये जो गाना चल रहा है इसकी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दीजिएगा. बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत दफा सुना है, but जितनी दफा भी आप सुने कम लगता है. आवाज दीजिएगा मैं थोड़ी सी. Yes, this was actually never meant to be a debut song. ये एक फिल्म के लिए ऐसी एक्सपेरिमेंट हुआ था और फिर इसका एक एडिट हम वीडियो एडिटिंग सीख रहे थे हम लोग तो उसका हमने वीडियो का एडिटेड बना लिया और फिर ये कोई 5-6 महीने तक के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हमारा म्यूजिक का शौक तो बिल्कुल फर्क है. हम लोग तो रॉक म्यूजिक को इस तरह पसंद करते हैं. फिर ये मंदारा ने बगैर मुझसे पूछे हुए जवाब बशीर को पकड़ा दिया और उसने फिर आगे सब कहा तो बड़ा नाराज हुआ. मैंने कहा ये गाना हमने नहीं रिलीज करना था बट फिर ये फेमस हो गया. तो सारा कुछ इत्तेफाकन हुआ. यू हैव बिकम टोटली लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन. पता नहीं अबाउट दैट. आई डोंट नो अबाउट दैट बट देन यू नो अबाउट दैट. आर यू फेमिलियर? यू आर म्यूजिक लवर? आई लव म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स इनके गाने भी मैंने सुने हैं. इनके भाई के भी सुने हैं. इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है. सो who doesn't like music? So he is very talented. एक die hard fans होते हैं ना जो follow कर रहे होते हैं वो बड़े कमाल लोग होते हैं. अच्छा इस दफा कोक स्टूडियो में आप दोनों इकट्ठे नहीं नजर आए तो वो जो एक rumors और बातें हम सुन रहे हैं कि आप नूरी बैंड जो है वो अब अलग अलग हो गए हैं क्या इस तरह की कोई बात है? नहीं हुआ ये है कि मैं basically मेरे जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ मेरे नाना नाउ इज 88 माशाल्लाह. ओके माशाल्लाह. और उनका एक इंस्टीट्यूट है फिलोसफी और आर्ट्स का. वो सब जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है. और इस साल कोक स्टूडियो जो है वो कराची में प्रोड्यूस होता है. पिछले साल भी था. मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा अब इन्वॉल्व होना ऑन दैट लेवल. और मेरा जो म्यूजिक में जो फर्दर मेरी डायरेक्शन है वो एक्चुअली दूसरे लोगों के साथ. सो मैं बेसिकली एक म्यूजिक लेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो पिछले 2 साल से मेरा सारा फोकस वहाँ पे गया है. नूरी आई थिंक हम लोग पिछले हमने को 15-16 साल चलाया है. तो अब हम उसको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहते हैं. अच्छा. तो आप दोनों को इकट्ठे नहीं देख सकेंगे? बिल्कुल देखेंगे. अभी हमने एक वीडियो भी शूट किया लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली अब कॉन्सर्ट्स बजाना और वो सब करना फीजिबल नहीं. दूसरा के लिए हमदा जो है उनको अब कोक स्टूडियो प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी दे दी गई है तो उनको शायद कराची मूव करना पड़ेगा. और तो इस वक्त हम अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारियाँ डिफरेंट लेवल पे निभा रहे हैं. अलग 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 लेवल पे निभानी है. मेरा एक्चुअली यू नो इट्स अ वेरी सैड न्यूज फॉर ऑल दोस पीपल हु लव यू गाइस. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. ये उनके दिल टूटने वाली बात है. नहीं मगर हम लोग अपना अभी म्यूजिक निकालते रहेंगे. सर अभी निकाल रहे हैं लेकिन हम बस अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह बिल्कुल कर नहीं सकते. मैं भी कॉन्सर्ट्स कम बजाता हूँ. दूसरा ये है कि कुछ हमारे जो मेरा जो म्यूजिकल शौक जो मैं और चीजें परसू करना चाहता था वो बहुत एक और डिफरेंट म्यूजिकल जानरा का है. तो जानरा क्या है? बी मोर लाइक मनवा? यस समथिंग मोर ऑन दिस लाइन. इट्स लेस रॉक एंड ऑल दैट स्टफ. और हमजा जो है वो अब थोड़ा बिहाइंड द सीन्स काम करना चाहते हैं. मतलब इन द सेंस ये तो अब थोड़ी सी सेपरेशन है. देखें हम तो दोनों भाई हैं तो हमारा तो प्रॉब्लम उस लिहाज से तो है ही नहीं कोई मतलब कि हम लोगों का. मगर यह है कि अब 2-4 साल कुछ और ड्यूटीज निभानी है. अच्छा. तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे. ठीक है हम विल टेक इट एज अ वेरी सैड न्यूज फॉर ऑल दोस पीपल हु लव मी बैड. सेंटिमेंटलाइजिंग द होल प्रोसेस. या एंड हु लव टू नहीं द सेंटिमेंट्स आर इन्वॉल्व. पीपल हु लव यू दे लव यू लाइक क्रेजी ना. उनका उनका एक अटैचमेंट होती है. नहीं वी हैव नॉट ब्रोकन अप और एनीथिंग लाइक दैट. नथिंग ऑफ दैट नेचर. बस ये कि अपने अब काम थोड़े से करेंगे. थोड़ा काम कम किया हुआ है उसका. ठीक है. अच्छा जी ज़ैनब थोड़ा माइंड नहीं करना जरा. मैं आपके साथ भी यू आर नॉट मैरिड. व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? आई डोंट नो ये सवाल क्यों पूछा जाता है. मुझसे पहले भी लोगों ने पूछा है. चलो थैंक गॉड आई एम नॉट द फर्स्ट वन. आई थिंक ये फेवरेट क्वेश्चन है लोगों का स्पेशली लड़कियों के लिए. व्हेन आई फाइंड द राइट गाय इज एंड व्हाट इज माय द राइट गाय. कैसे पता चलेगा ये? पता नहीं अल्लाह जाने. मैं कैसा क्या वो अली नूर की जैसा हसीन और जमील होगा? मैं हसीन और जमील बिल्कुल नहीं हूँ. ये कैसी बातें कर रही है? ये कह रहे हैं मैं हसीन और जमील नहीं हूँ. नहीं, नहीं, तो नहीं, कौन नहीं. हसीन और जमील होगा फिर? नहीं आई थिंक कि वही बात होती है कि अगर दो लोग क्लिक आपस में करें तो वो आई फील इज वेरी इम्पोर्टेंट.
तो वो जब होगा तो मेरा ख्याल है मुझे पता चल जाएगा। अली यू ऑल्सो बिलीव इन इट कि शादी करने के लिए क्लिक होना जरूरी है? देखिए मैं शादी हो चुकी है। हाँ, अब इनके डिफरेंट होंगे। हाँ, मेरे व्यूज बहुत डिफरेंट हैं। इसीलिए और मंदाना के व्यूज भी बहुत डिफरेंट हैं। सो मैं कभी अपने बच्चों पे शादी का प्रेशर नहीं डालूंगा, ये हम बहुत क्लियर कट हैं। अगर वो पूरी जिंदगी बगैर शादी के रहना चाहें तो हम उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, विच बेसिकली मीन्स दैट आई थिंक दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज is no longer a functional institution. It has become very weak. Serious baat yahi hai ki shaadi unfortunately ek society ki ek jo bhi uski ek culture ki uski ek akasi karti hai. Theek hai, to jab society rotten hona shuru ho jaye, jab society mein log jo hain unke problems ek aur noiyat ke ho jaye, to ye sab institutions sabse pehle tootte hain, unki forms badal jati hain. ना सिर्फ शादी, कल्चर, रिलीजन, मॉरल्स, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें बहुत सीरियसली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप रोज की न्यूज़ आइटम्स पढ़ते हैं और आपको जो खबरें सुनने को मिलती हैं और आप उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ डिसेंसिटाइज होते हैं। आपकी सेंसिटिविटीज, आपकी हिस्से खराब होती हैं। जब लोगों की हिस्से खराब हों और फिर वो शादी करना चाहें, रिलेशनशिप रखना चाहें, तो वो बहुत थर्ड क्लास लेवल के रिलेशनशिप्स होंगे, वो थर्ड क्लास किस्म की शादियां होंगी। तो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जिससे हम गुजर रहे हैं, तो वो तमाम मयार, वो तमाम सिस्टम्स जिसके शादी जिसका प्रोडक्ट थी, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट क्लास शादी कैसी होती है, उसमें क्या? फर्स्ट क्लास शादी में दो लोग जो है वो सही मानों में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स पर, जैसे चाबी और ताला आपस में मिलते हैं, वो उस तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, वो इमीडिएट क्लिक नहीं होता है, वो एक एवोल्यूशन होती है। तो रिलेशनशिप्स के बगैर शादियां करना गैर जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से। ठीक है, वो बहुत बड़ी कुरानदाजी आप खेल रहे हैं। फिर इसी तरह शादियां दूसरे लोगों को खुश करने के लिए करना, उससे भी बड़ी गलत बात है। तो शादी हमेशा से एक बहुत ही खूबसूरत चीज होनी चाहिए और ये वाहिद चीज है जिसमें आप सोच समझ के पढ़ते हैं। बिकॉज जब मेरी लट से किसी से शादी हो जाए तो जो उससे मेरे बच्चे निकलेंगे वो भी मेरी मर्जी के नहीं होंगे, यानी इन बच्चों के माँ बाप भी उनकी मर्जी के नहीं होंगे, उस लड़की के बहन भाई भी मेरी मर्जी के नहीं है और मेरे बहन भाई भी उसकी मर्जी। सो ये एक कनेक्शन बनता है जो आपका दानिस्ता होता है और उसके बाद जो कुछ उसमें से निकलता है वो अल्लाह मियां की तरफ से होता है, तो इसकी जिम्मेदारी उठानी होती है। ठीक है, हम लोग नहीं उठाते हैं, वास्ट मेजोरिटी नहीं, और जब लोगों ने उठाना छोड़ देते हैं तो शादियां फिर अच्छी रेफरेंसेस नहीं रहती, नहीं रहते। इस वक्त मैं शादी के एज अ सोसाइटी में इतने फेवर में नहीं रहा। अच्छा, बट यू हैव माशाल्लाह एक सक्सेसफुल मैरिज। आई हैव अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, यस। आई थिंक मैरिज इज समथिंग वी स्टिल हैव टू फिगर आउट। ओके, एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स बट वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स when it comes to the marital side of things. Okay. So I don't think it's a the current form of marriage is a modern form. Okay. और हमें मालूम नहीं है कि अगला उसका logical step क्या होगा, तो शादी बड़ा शादी नहीं कीजिए, बेशक सारी जिंदगी आप हमारे बैठे रहे, मेरा ख्याल। अच्छा। मेरी position ये है, वरना आप society को खुश करेंगे, माँ बाप को खुश करेंगे, घर वालों को खुश करेंगे, ये सोच के खुश करेंगे कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, क्योंकि बच्चे पैदा करना कोई मजाक नहीं, बिल्कुल कुछ जिम्मेदारी लेना है, बहुत बड़ी। तो हम लेते, अगर हम लेते होते तो हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर होती, बेहतर होती, ट्रू। हमारे पॉलिटिशियंस बेहतर होते, हमारे वो तमाम चीजें जिसमें हम आज क्रिटिसाइज करते हैं वो ना होते। तो मैं बस इस किस्म की मेरी सोच है। किसी प्रेशर या उसके नीचे आके, इसीलिए यू नो यू सेइंग के कब करोगी व्हाटएवर, मेरा भी यही एक मानना है कि ये नहीं है कि अब क्योंकि मेरी माँ कह रही है या मेरा बाप कह रहा है। थैंकफुली आई एम वेरी लकी बिकॉज माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव जनरली, वो मेरे पर उस तरह से प्रेशर नहीं डालते, लेकिन इट शुड बी फॉर द राइट रीजन। यू नो ये नहीं क्योंकि आप जिस तरह के उन्होंने कहा आपकी उम्र गुजर रही है और आपने बच्चे पैदा करने हैं या बाकी दोस्तों की शादियां होगी और उनके बच्चे होंगे, विच इज इन माय केस इट इज ट्रू। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और नाकाम भी हो चुकी हैं। Exactly. You know, तो मैं इर्द गिर्द अपने एक और नाकामी का रेट और कामयाबी का रेट काफी
बहुत तीन चार साल पहले थी उनकी टूट के यू नो, तो मैंने उनको भी देखा है सफर करते हुए. तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई, मैं नेगेटिव एंगल से बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पर्सनली फॉर मी मैं सोच समझ के करूंगी. और उसकी भी आगे आपको पता नहीं होता, कोई गारंटी तो नहीं होती जिंदगी में, लेकिन इंसान को एक दिमाग दिया गया है, आपको सोचना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, बिफोर टेकिंग सच अ बिग स्टेप. मैं समझता हूँ कि शादियाँ अब एक सर्टन स्टेज क्रॉस करने, सो शादी है क्या, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी एक कमिटमेंट है कि हम सारी जिंदगी इकट्ठा रहना चाहते हैं. और शादी जो है वो अपने आप को, अपने बच्चे पैदा करने को या अपनी फैमिलीज को बढ़ाने का एक लीगल तरीका है. सो वो सब चीजें बराए नाम अगर होंगी तो वो कभी चलेंगी नहीं, जैसे इनकी मेजोरिटी कह रहे हैं दोस्तों की नहीं चलती. अनफॉर्चुनेटली आजकल तो मैं किसी भी इंसान की, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इसके अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा मैं तो ये, हम लोगों ने तो ये गेम रखी हुई है, यहाँ पे गेम तो नहीं है, बट वी वांट टू नो कि आपके ख्याल में क्या गाइडलाइन होगी कि टू हैव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, चले आप मैरिज छोड़ दें, बट सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्या कुछ इनमें से करना जरूरी है. दिस इज गोइंग टू बी फनी, राइट, दिस इज नॉट सीरियस. इट्स वेरी सीरियस. वेल दिस इज नॉट सीरियस व्हाट्स रिटन ओवर हियर. अच्छा, ये पूरी नॉनसेंसिकल नहीं, ये शॉपिंग कराना, अगर आप मेरे से टेक लेंगी तो आपको एक बहुत ही सच्चा आंसर मिलेगा. अच्छा, और वो मिलेगा आपको पसंद नहीं, इनमें से कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है. आप खुद बताइए, आपकी शादी हुई भी है, आप क्या इन सब चीजों से, सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट. इसका मतलब है आपका रिलेशनशिप इतना सुपरफिशियल है कि ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर देती है, बेहतर कर देती है. वाओ, देन वी हैव अ सीरियस डिसएग्रीमेंट. And they're clapping on it. कौन सी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीजें जो नहीं है इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है कि फोन का पासवर्ड पता हो, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के पासवर्ड पता हो. इन योर केस नहीं पता होते, बहुत सिली बातें, आई एम सॉरी टू से, नहीं बहुत इतनी मिनिमल बातें हैं रिलेशनशिप्स की. अरे इन पे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं. तो फिर आप खुद बताइए कि ये किस किस्म की शादी है जो एक पासवर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है. होती है लड़ाइयाँ ना, तो फिर आप खुद सोचिए, ये तो बड़ी वाहियात शादी है, ये शादी तो होनी नहीं चाहिए कि जो एक पासवर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, जो शॉपिंग ना कराने पे हो, जो क्या गुस्सा क्या कहते हैं, खुला खर्च ना देने पे हो. हाँ. कि पैसा नहीं है तो पैसा दो. हाँ. आप देखिए, ये अगर ये टाइम आपकी सोसाइटी की शादी की सक्सेस के ऊपर बेस्ड है तो ये शादी नहीं चल सकती, ये शादी नहीं चल सकती. नहीं, ओके, किस तरह की शादी चलेगी. शादी वो चलेगी जिसमें सब चीजों से कोई फर्क ना पड़ता हो, मतलब तनकीद भी करे, दूसरों के सामने इजहार मोहब्बत ना भी करे, बीवी के सामने बैठे हुए मोबाइल पे खेलते रहे, होती है ना, तो ये सब चीजें उसका बाय प्रोडक्ट हो जाती है. ओके, ये सब कुछ होगा ना, फिर ऑटोमेटिकली होगा, नेचुरली होगा. मेरे तो केस में कुछ भी नहीं होता ऐसा, ना उनके केस में होता. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी पोजीशन है. देखिए, मैं किसी भी प्रोग्राम में आके वो बात नहीं कर सकता जो मेरे लिए सच असल नहीं है. बहुत अच्छी बात है. तो अगर गेम के तौर पे खेलना है तो खेल लो. इट्स अ सीरियस थिंग. आई डोंट एग्री विद दिस. ठीक है, आई डोंट एग्री विद एनी ऑफ दिस. अच्छा, आप जब बैठे होते हैं घर में तो आप मोबाइल अपने पे लगे रहते हैं एंड आप निगलेक्ट योर फैमिली एंड किड्स एंड. No, I'm a working man. I'm working all the time. My wife is working all the time. Yes. My children are going to be taught to work all the time. बिल्कुल. Relationships are again today about हमारा काम, हमारी जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए. मेरी जिंदगी का मकसद सोसाइटी को बेहतर करना है. ठीक है. And that's it. ठीक है. एक rotten society में मैं पैदा हुआ, मैंने उसको ठीक करना है. अगर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त यार उस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, ये सब चीजें इररिलेवेंट है. हाँ. मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना मुझे बच्चे पैदा करने. मेरा मकसद ही सिर्फ ये था, यानी कि लेट्स पुट इट दिस वे, माय चॉइस ऑफ गेटिंग मैरिड वाज ओनली टू फाइंड अ पार्टनर जो मेरे साथ जंग लड़ेगा, जो मेरे, अच्छा, कॉज मेरे साथ होगा. कॉज के बगैर तो जिंदगी बेकार है. ठीक है. So that's my position. So if you're a causeless person, like 99% people, आप ये कर लीजिए. फिर आपको ये चीजें हैंडल करनी पड़ेगी. जब कॉज होता है तो इन चीजों का सवाल ही नहीं उठता. ठीक है. आप इतने कॉजल बंदे से शादी करेंगे मैडम? नहीं, देखें, हर बंदे का ना, ही इज राइट. एटलीस्ट मेरे केस में मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये कहा है कि जिंदगी मकसद के बगैर जीना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है. नहीं, आउट ऑफ दीज थिंग्स, इन योर ओपिनियन, विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट?
in a relationship. अच्छा, इसमें काफी ये फोन शोन तो चले छोड़ दें and try to see कि कौन सा वाला अगर for the sake of game अगर if I have to pick something. So she also firing like a game because she knows that this is a game. No, this is not. माफी मांग लेना तारीफ करना ये saying ना तो ये कहने की ज़रूरत नहीं होती है. हाँ, without saying ये इसका मियाँ दीदी की शादी से कोई मेरे और आपकी दोस्ती हो मेरे और मेरे बच्चों में दोस्ती हो exactly, भी माफी मांगनी होती है उसमें भी तारीफ करना होता है उसमें भी ये एक दूसरे के साथ transparency मगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है शादी से ये तो ह्यूमन कनेक्शन है. तो आप मुझे कहना चाह रही है कि इंसान तो ये मेरे ख्याल से इज़दवाजियत के लिए अच्छी इज़दवाजियत के लिए जो उन्होंने बात की मकसदियत बहुत जरूरी है. वो आपने बात की उन्होंने सेकंड उन्होंने भी यही कहा नहीं ठीक है बट ऑब्वियसली हर एक का एक डिफरेंट मकसद ही होता है. अगर इनका सोसाइटी में डिफरेंस पैदा करना है आपके लिए हो सकता है बच्चों का हो या काम करना हो. मेरे लिए पर्सनली माय वर्क इज एवरीथिंग. आई फील कि मैंने अपनी तरह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि अगर मुझे देख के एक लड़की मुझे आगे कहती है कि मैंने भी आना है करनी है विच इज अ चेंज वो मेरे लिए इजंट दैट अ सोशल थिंग. यू डिड समथिंग या अ गर्ल गॉट इंस्पायर्ड या एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड एंड शी गॉट अप एंड शी डिड व्हाट सो आई थिंक शी इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन सोसाइटी. सोसाइटी का मतलब एनजीओ बनाना तो नहीं होता. सोसाइटी का मतलब तो एक तो मकसद रखना और उस मकसद को इस लेवल पर लेके जाना कि दूसरे लोग उसको देख के अपना. हमारा प्रॉब्लम एज अ सोसाइटी जैसे आपकी अम्मा ने बोला वो बेमकसदियत है. हाँ. आप मुझसे एग्री करेंगी. हाँ, बिल्कुल ऐसे है. तो जब मकसद आ जाएगा तो सोसाइटी ठीक होएगी. मगर शादी इज ऑल्सो गुड थिंग. अगर अच्छा रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ ग्रेट जिसे कहते हैं ब्लेसिंग डिस्कवर कर लीजिए. मगर किसी को इंसिस्ट मत कीजिए शादी के लिए. हाँ, obviously. उसको कोई जो मेरा इस मेरे जो विनती है लोगों से कि एक औरत की ना शादी होने से मेरे हिसाब से वो 1% भी कम नहीं होती है. True. वो पूरी जिंदगी शादी ना. बिल्कुल सही. ये प्रेशर का अब वक्त आ गया है और मैं बहुत स्ट्रांगली आपसे मतलब अली यहाँ पे बहुत जरूरी है कि देन सोशल डिपेंडेंस उसकी ना हो उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस ना. हमारे यहाँ शादी की आप जिस पर्सपेक्टिव में बात करें देयर आर मेनी अदर रीजंस एज वेल दैट इज इकोनॉमिक कोडिपेंडेंस. आई अंडरस्टैंड द रीजंस एंड नाउ इट्स द टाइम टू मेक अ चॉइस. Whether you want to give in to those reasons or whether you want to change those reasons. Bilkul. I think that's the crux of my conversation. Haan, bilkul. Got it. If you want to change the thing, I guarantee you there'll be a better marriage in the future. Theek. Right now, all the reasons are wrong. Theek. People are getting married for wrong reasons. I think so. What do you think? Lekin, that's why you're not married. Taking a line, in the sab cheeze zaruri hai. Sab cheeze relationship mein automatically hongi if you want to have a healthy and good relationship. I don't know if you still want me to pick. Mujhe lag raha hai ki main bahut pressure mein hu pick karna hai to गुस्सा पी जाना जरूरी है. I can't handle गुस्सा. I mean हर इंसान के अंदर होता है. मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता लेकिन अगर पर्सनल अगर एक को आपका प्रेफरेंस हो तो आपको गुस्सा आता है ज़ैनब. मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ. मैं अगर मैं झूठ बोलूंगी यहाँ बैठ के अगर मैं कहूँगी नहीं मैं बहुत वो हूँ मेरा थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है. लेकिन मेरा उस तरह का है कि मुझे बहुत पुश करना पड़ता है गुस्सा दिलाने के लिए लेकिन जब आता है तो फिर कोई 5 मिनट बाद ठंडा भी हो. लेकिन वो 5 मिनट कैसे गुजरते हैं? वो 5 मिनट बहुत मुश्किल से गुजरते हैं. मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कोई क्लाउड आ गया है ऑफ जजमेंट एंड आई कांट सी एनीथिंग. सो आई हैव दूसरे बंदे के साथ क्या होता है जिस पे गुस्सा आया होता है? आई मीन वो सेफ एंड साउंड रहता है उससे महफूज रहता है होता है दूसरे बंदे के साथ वो उस वक्त ना ही हो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यू नो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप ऑन इट बिकॉज़ आई थॉट कि ये अच्छी कैसी चीज है अगर मेरे अंदर है और फिर जो एक दूसरा बंदा उसके अंदर भी अगर ये होगा तो फिर मैच थोड़ा सॉफ हो जाएगा. आपको भी गुस्सा आता है अली? बहुत ज्यादा. अच्छा, बहुत ज्यादा. एंड आप उन लोगों में से जो अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं या निकालते हैं तो चीजें तोड़ फोड़ भी? अच्छा, देन हाउ यू वेंट इट? स्क्रीम, शाउट, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, आर्ग्यू, जो हम सबका तरीका कार है. मगर मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है कि वो अनरीजनेबल हो जाए. कई दफा सो मैं अपनी डोमिनेंस का फायदा नहीं उठाता मगर मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है. ठीक है, मगर मुझे सिर्फ बता दूं कि मुझे कभी भी सोसाइटी के या लोगों के किसी बैड बिहेवियर पे गुस्सा नहीं चढ़ता है. मुझे गुस्सा सिर्फ तब चढ़ता है एक ही चीज पे कि एक तो हैबिचुअल गुस्सा. शादी में गुस्सा बहुत होता है बाय द वे. शादी का एक ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्यों होता है? बस आप बेसिकली बहन भाई बन चुके होते हैं बाय द एंड ऑफ इट. और आपकी जो बिहेवियर होता है वो यही होता है जिस तरह आप बहन भाई से लड़ाई करते हैं ना, बिकॉज़ आप साथ हैं साथ रहते ज्यादा. आपका एंगर बहुत ज्यादा होता है.
डिस्टेंस नहीं रहता शादी में बिल्कुल भी, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है. आई थिंक उसमें आपकी सबसे क्रूडेस्ट और अगलीस्ट फॉर्म्स बाहर निकलती हैं. और औरतों को बहुत सफर करना पड़ता है. औरतें जो हैं हमेशा वो आपकी मर्द की एग्रेशन से डील. सो टिपिकली मोस्टली मेल्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव एंड देन वी हैव एग्रेसिव फीमेल जिनको कोई मेल बीट नहीं कर सकता है. बट वो रेयर होती, कम होती है. औरतें जनरली बहुत बेहतर होती हैं मर्दों से. मेरी बिल्कुल एक पोजिशन यही है. सेंसिटिव बहुत ज्यादा होती हैं. वो आपको जो हमारे अंदर का जो जानवर है उसको इंसान बनाती है. ठीक है, उनको बर्दाश्त. अली आपके ना बहुत बहुत फर्क ख्याल आता है जी. आपको अपने जैसे यार कितने लोग अभी तक मिले हैं? मेरे तो सारी दुनिया ही लोगों से भरी हुई है. बिकॉज मैं तो जब म्यूजिक निकाला, जब सब कुछ किया, तो हमारी तो दुनिया इन्हीं लोगों की. हाँ. वो ही हमारे फैंस हैं. नहीं, इन इन ख्याल कैसे मिलते जुलते लोग वक्त ऐसा आ गया ना कि मेजोरिटी लोग जो है, तो मेरे सारे दोस्त, मैं 40 साल का हूँ इस साल, मेजोरिटी की शादी नहीं हुई, जिनकी हुई टूट फूट गई. मेजोरिटी लोग जो थे वो जनरली अपनी लाइफ से बहुत अनहैप्पी थे. ठीक है. तो फिर वो मेरा सिर्फ ये फायदा हो कि इन ख्याल इन इन गलत इसे कहते ना कि जो फर्क ख्यालात हैं इनके बहाने में कुछ जो बात जिस तरह लोगों से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सपोज इन पे सब लोग शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं और मैं इनको ये बातें बता रहा हूँ कि शायद ये मुझसे दोस्ती कर ले इस पॉइंट पे कि यार तुम तो मेरे ख्याल से मिलते हो, मिलते हो. हाँ. तो मैं अकेला नहीं हूँ इस लिहाज से. ठीक है. मुझे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मैं जरा समझ लें उसका थोड़ा सा एक लीडरशिप का रोल अदा कर रहा हूँ. ठीक है. बट लीडरशिप का रोल अदा कर रहा हूँ, लीडर नहीं. ओके ग्रेट. हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे क्योंकि मैं तो आपकी बातों से ना बिल्कुल मुझे कहते हैं समझ नहीं आ रही मुझे कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे वो है. ऑल्दो आई अप्रिशिएट इट जो आप कह रहे हैं बिकॉज वो है बड़ा सच, कड़वा सच है मगर सच है. बट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक. और ज़ैनब आपने भी इनपुट देनी है अब साथ साथ बिकॉज वी आर टू वुमेन और हमने औरतों की कंट्रोवर्शियल थिंग टू से. डीप इनसाइड माय हार्ट आई थिंक आई एम वेरी सेंसिटिव. यू आर सेंसिटिव टू द वुमेन. सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलने. में आपने इस कमर्शियल में सुनी और वही बातें जो है अब हमें मीरब ज्यादा तफसील में समझाने वाली है. सो मीरब, क्या है ये नई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में अभी हम सुन रहे थे कि ये पैम्पर लटकता नहीं है, जहाँ दो इस्तेमाल करने पड़ते हैं वहाँ ये ज्यादा टाइम गुजारता है? आज मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि पैम्पर ये पाकिस्तान का सबसे खुश तरीन डायपर है. इसके लिए मेरे पास दो डेमोज मौजूद हैं. पहले डेमो में मैं आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी और दूसरे डेमो में मैं आपको उस मटीरियल के बारे में बताऊंगी कि वो काम कैसे करता है. तो शुरू करते हैं अपना पहला डेमो. यहाँ पे मेरे पास दो ग्लास मौजूद हैं, इनमें इक्वल पानी है और ये उतना ही पानी है जितना बेबी का गीलापन होता है. और यहाँ पे मेरे पास दो डायपर्स मौजूद हैं, एक है हमारे पास मार्केट का आम डायपर और दूसरा पैम्पर्स नया जदीद टेक्नोलॉजी वाला. ऐसे देखने में तो कोई ऐसा खास फर्क जो है वो फील नहीं होता. अभी मैं आपको उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, मटेरियल के बारे में बताऊंगी. अच्छा. कि वो कैसे काम करता है और उसकी जदीद टेक्नोलॉजी क्या है. ये मैंने गीलापन डायपर्स के ऊपर पोर कर दिया. ठीक है. और एक जैसा ही सोल्यूशन है जी बिल्कुल. ठीक है. और यहाँ पे मैं अपनी स्टॉपवॉच ऑन कर देती हूँ ताकि दोनों को इक्वल ही वक्त लगे जज्ब होने के लिए. ठीक है. इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ पैम्पर्स का नया और बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी वाला डायपर जिसके 3 चैनल्स हैं, 3 हिस्से हैं जो पानी को फैला कर जज्ब कर लेते हैं ताकि डायपर बिल्कुल लटके और भारी ना हो. इसका मतलब क्या हुआ कि 3 चैनल्स हैं डायपर्स के? डायपर के अंदर 3 चैनल्स मौजूद है जो पानी को फैला देते हैं, गीलेपन को एक जगह जमा नहीं करते, उसको फैला के जज्ब कर लेते हैं. ठीक है. इसके साथ ही मेरे पास दूसरा जबरदस्त डेमो, इसमें मेरे पास मेरा भी इसका मतलब कि वो जो लटकने वाली सिचुएशन होती है कि पानी सारा जो एक जगह पे इकट्ठा हो गया और वो वहां से लटक गया और भारी हो गया, सैग हो जाता है डायपर के, बेबी अच्छे से चल नहीं पाता, इरिटेट होता है, रैश होता है. अब इसमें ये हुआ कि पानी जो है वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो इसने उसको बहुत जल्दी सो कर लेता उसको. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास दो ग्लास मौजूद है, इनमें भी इक्वल पानी है. पहले ग्लास में मैं वो स्टफिंग डालूंगी जो आम डायपर में मौजूद होती है. वो स्टफिंग है जो हर डायपर में मौजूद होती है और ये वो मैजिक जेल पाउडर है जो पैम्पर्स में मौजूद होता है. ठीक है. यानी इसमें स्टफिंग नहीं डली होती, इसमें मैजिक जेल होता है. अच्छा. और ये न्यू टेक्नोलॉजी है. मैंने अपनी स्टॉपवॉच ऑन कर दी ताकि दोनों को इक्वल ही वक्त लगे. ठीक है. इसके साथ ही मैं बताती चलूँ पैम्पर्स में जो मैजिक जेल मौजूद है जो गीलेपन को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर लेता है, आम डायपर्स में ये सलाहियत मौजूद नहीं है, इसलिए पैम्पर्स ही पाकिस्तान का सबसे खुश तरीन डायपर है. यानी आम जेल कन्वर्ट कर देता है. आम पैम्पर्स में ये जेल मौजूद नहीं है जी बिल्कुल, जो कि अब्सॉर्ब कर लेता है पानी को और उसकी वजह से खुश्क फीलिंग जो है बच्चे की स्किन पे इतना पानी गीलेपन को बहुत तेजी से जज्ब करके उसको जेल में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है.
इसके साथ ही अक्सर माओं की कंप्लेंट होती है कि वो बच्चों के रात भर सो नहीं पाते, उनको 2 से 3 दफा डायपर चेंज करना पड़ता है, रैशेज हो जाते हैं। बिल्कुल, नया डायपर चले पूरी रात और बच्चे को 12 घंटे का यकीनी तहफ्फुज़ दे। अच्छा, 12 घंटे? हाँ, उसने काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको फिंगर टिप करके दिखा दी, देखिए बिल्कुल पानी ने उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, देख सकते हैं। अच्छा, यानी इसमें पानी नहीं है ये बिल्कुल। मैं इसको यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ, ये आपका टिश्यू यूज करते हैं। हाँ, कि इसको हमने इस जेल जो बन गई है ये पानी एब्जॉर्ब करके ये जेल बन गया है और अब ये इस तरह ये पाउडर में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी मतलब ये है कि इसमें गीलापन प्रेस करने से यार टिश्यू पे भी नहीं आ रहा है, मतलब वो इतना ड्राई हो गया, काम नहीं करेगा। हाँ। और ये वो स्टफिंग है जो आम डायपर्स में मौजूद होती है, उसने ये देख सकते हैं वो सारा गीलापन नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे रखो जरा, हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीज आप बताना चाह रही हो और उससे क्या फर्क पड़ रहा है। सो ये सेम टिश्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ, रखो इस पे स्टफिंग जो आम रखी जाती है। ठीक है, सो ये देखिए पानी वो टिश्यू भी जो है वो पूरा उससे हो रहा है, यहाँ पे मैं रख के प्रेस भी कर रही हूँ। ओके, सो ये जैसे आप नई टेक्नोलॉजी कह रही हैं। इसके साथ ही मैं अपने पहले डेमो की तरफ चलती हूँ, मैं आपको इसका डिफरेंस चेक करवा रही हूँ। देखिए आम डायपर में ये 3 चैनल्स मौजूद नहीं है। ओके, ये जो 3 इसकी डिवीजन है जी, ये 3 चैनल्स हैं, ठीक है, नहीं है, जिसकी वजह से डायपर बीच में से लटक जाता है और भारी हो जाता है और बेबी बहुत इरिटेट होता है इसकी वजह से। सही, मैं अब कट करके दिखाऊंगी ताकि आपको और उसके मटेरियल के बारे में पता चल जाए कि वो काम कैसे करता है। ये मैंने कट किए, ठीक है, ठीक है, वो सेम स्टफिंग जिसकी बात की जा रही थी निकाली है। बहुत क्लियर आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि उसमें 3 चैनल्स मौजूद हैं नए पैंपर्स में और आम डायपर में ये 3 चैनल्स मौजूद नहीं है, जिस वजह से गीलापन एक जगह आकर जमा हो जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद आई एम श्योर अपने बेबी के लिए हमेशा पैंपर्स का इंतखाब करेंगे और अब ये पैंपर्स मार्केट में मौजूद है, मार्केट में मौजूद है, और कभी भी हम पैंपर्स का पैकेट लेंगे तो उसमें सारी न्यू टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। ग्रेट। अच्छा जी, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में छोटे बेबीज मौजूद हैं? नहीं, जिनके छोटे बहन भाई हैं। अच्छा, वाह, आपने बहन भाइयों के लिए भी इतने कंसर्न है। कौन छोटे बहन भाइयों के पैंपर्स चेंज करता है? अच्छा, फिर आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान का जिस पैंपर्स की न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई, जिसको पाकिस्तान का बेस्ट डायपर कहा गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जी, उन्हें पीछे दीजिएगा, शी इज ओनली वन जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो मेरे साथ है आज अली नूर, मेरे साथ है आज ज़ैनब अब्बास, और अली नूर को मैं एज म्यूजिशियन तो हमेशा एडमायर करती थी। Never knew this side of yours, and I'm just totally, जैसे कहते हैं ना, amazed कि अच्छा एक ऐसा बंदा भी, लेकिन एक नजर डालते हैं, मैंने आपको देखा हुआ है कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते हुए, सुनत जिन लोगों ने कॉन्सर्ट्स मिस किए हैं नूरी के, एक नजर डालिएगा जब स्टेज पे होते हैं तो इनकी एनर्जी, इनका एंथुसियाज्म, इनका वो जुनून जोश है वो क्या होता है। ये कोई और नहीं, ये आपके सामने बैठे हुए अली नूर है, बंदर हो पूरा का पूरा। तो अली, वो बंदा कौन है और ये बंदा कौन है? मुझे भी नहीं पता, यकीन नहीं आ रहा, गलत से बात देख रहा हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये, आपने आज हमें एक और इतला दे दी है कि हम मिस करेंगे इन कॉन्सर्ट्स को, तो वो जो एक एनर्जी और वो क्या होता है आपका, वो पूरा रश, वो सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, अगली जिसे कहते हैं इनिंग्स खेलते हैं, अगली इनिंग्स की तैयारी हो रही है बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, अगर कोई लड़की आना चाहे इस फील्ड में, क्या करना चाहिए उसको? इफ समबडी एल्स वांट्स टू बी ज़ैनब अब्बास, आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि नॉलेज,
anybody can come on the screen, look good, wear, you know, clothes and but aapki knowledge hona bahut zaruri hai and passion. Theek hai. So agar hota ye hai ki agar aapko kisi cheez ka shauk nahi hai aur aap baith ke uske bare mein bol rahe ho to sooner or later aap pakde jate ho. Bilkul sahi. You get exposed. And ye jo field hai ye badi fickle field hai ji. मेरे मुंह से अगर ई की जगह ए निकल आता है तो उस चीज पे भी मुझे 1 crore नीचे कमेंट्स आ जाते हैं कि ये आपने ठीक नहीं बोला. तो और एक दफा इस तरह का आपने कोई मेजर गूफ अप कर लिया तो ऑडियंस इतनी मतलब इंटेलिजेंट है, इतनी फॉरगिविंग नहीं है. फॉरन आई थिंक हमारे जो लोग हैं बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, फॉरन पिकअप कर लेते हैं कि जी इसको पता है या इसको नहीं पता. सो आई फील पैशन और नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है. मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मैं इसलिए नहीं आई थी बिकॉज मैं टीवी पे आना चाहती थी या मुझे फेमस होना था और व्हाटएवर. इट वाज प्योरली फॉर द पैशन ऑफ द स्पोर्ट. आई फेल्ट इट वाज स्पोर्ट और इट वाज क्रिकेट. क्रिकेट स्पोर्ट्स एंकर इसलिए क्योंकि और भी ऑब्वियसली स्पोर्ट्स हैं लेकिन हमारे मुल्क में फॉलो किया जाता है. इंशाल्लाह फुटबॉल इज गोना पिक अप. बट ये है कि सो आई फील ये बहुत जरूरी है एंड डिलीवरी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई फील अच्छा कुछ लीग्स के नाम आते हैं. मैं कोशिश करूंगी अपने बच्चों की वो जो है वो याद करूंगी कौन कौन से. मुझे कुछ याद है चेल्सी, रियल मैड्रिड, आर्सेनल, क्लब बार्सिलोना, क्लब्स के नाम. हाँ रियल मैड्रिड है, बायर्न म्यूनिख है, आर्सेनल यू नो एवरीबॉडीज फेवरेट, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, एंडलेस. व्हिच वन इज योर फेवरेट? देखिए मैं आपको बताती हूँ मेरे घर में जो है ना लाल है हर जगह. एवरीबॉडी इज एन आर्सेनल सपोर्टर. ओके. तो मतलब के टियरी ऑनरी के डे से उस वक्त मुझे याद है मेरे घर में बैठ के देखा जाता था बहुत क्लोजली. एंड सो या कभी ये चल रहा होता है या फिर पाकिस्तान टीम को देख रहे होते हैं अपने कारनामे कर रहे हैं. लेकिन हार रहे थे बहुत. कल का कारनामा बड़ा जबरदस्त है. लेट्स क्लैप फॉर पाकिस्तान टीम. फाइनली फाइनली वी वन. फाइनली फाइनली इट्स गुड. वरना जो मैं सुन रही थी कि आमिर ने और उन्होंने कहा रेस्ट देने अब तो मैंने कहा अगला मैच तो नहीं होगा. या हमारे अच्छा। मीडिया में बहुत गलत खबरें भी होती हैं. ऐसा कुछ नहीं था. कोई उन्होंने रेस्ट के लिए नहीं कहा था हमें रेस्ट दो. होता ये कि जब आप हारते हो ना तो फिर उसके बाद इस तरह की स्टोरीज आ जाती हैं कि जी टीम में इन फाइटिंग है ब्ला ब्ला. कुछ सही भी होती हैं लेकिन ये गलत है. ये वाली न्यूज़ गलत है. ये मैं आपको बता सकती हूँ. आई एम वेरी आई वर्क वेरी क्लोजली विद देम. ठीक है. अच्छा हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बड़े हर बंदा ही होता है शौकीन मिजाज मगर हमारे खिलाड़ी और हसीना का कॉम्बिनेशन हमेशा से बड़ा डेडली रहा है. और सो हैव यू एवर फेस या आप कैसे डील करती हैं बिकॉज हमारे प्लेयर्स जो है ना दे आर मोर वेरी माचो. देखिए ये आपको फेस करना पड़ता है. करता है. हाँ. अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि ऐसा नहीं होता और सब आपके साथ बहुत एक प्रोफेशनल लेवल पे ऑपरेट करते तो ये गलत है. गलत है. हाँ. Sometimes I have interviewed few cricketers, not to name anybody, और I thought they're kiddos ना, the youngsters the ones, बाद में they started texting. हाँ. आप ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपको अजीब सी बात. This happens in this world. और उस, बिल्कुल ऐसे ही होता है. होता ये है कि देखें ये लोग स्टार्ट करते हैं जहां से ये आते हैं उसके बाद इनकी क्रिकेटिंग जर्नी विद इन ओवरनाइट दे बिकम फेमस. ठीक है. तो कई केसेस में ये होता है कि द फेम गेट्स टू देम और कई केसेस में ये होता है कि बस ठरकी है. या फिर अदरवाइज भी टेलीविजन पे काम करने वाली खवातीन को शायद उतना वैल्यू या रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है डू यू फील दैट और आप समझती हैं कि नहीं द टाइम हैज चेंज्ड नाउ. मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ. मैं जिन लोगों से के साथ काम करती हूँ आई थिंक मैं अगेन आई एम फॉर्चुनेट और मे बी द वे आई डेल्ट विद इट कि सबको पता है कि एक बाउंड्री है. कुछ ऑड केसेस हैं जिस तरह के आपने कहा लेकिन क्योंकि मैं अगेन यू नो दे सी के मैं अपने एक पैशन और नॉलेज की वजह से वहाँ पे हूँ किसी और रीजन के लिए नहीं हूँ. तो आई थिंक दे आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ जो कोई भी लड़का होता है प्लेयर होता है वो पिकअप कर लेता है. कोई भी बेवकूफ नहीं है. आपको खुद एक अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती है. ठीक है. आप बहुत क्लोजली इनके साथ काम कर रहे होते हो सम यू नो यू हैव टू बी इन्वॉल्वड इन पीआर एंड स्टफ बिकॉज़ यू हैव टू बी इंटरव्यूइंग दीज गाइस. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि ये एक मेरी प्रोफेशनल बाउंड्री है एंड यू नो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीबडी हु इज लिसनिंग एज वेल जो कि इस फील्ड में आना चाहता है कि आप अच्छी नीयत के साथ अपने प्रोफेशन को लगाव के साथ काम करो और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मैं तो सुनती रहती हूँ मुझे तो ऑनेस्टली
I don't know, वही मैं कहती हूँ कि I'm blessed or whatever. बहुत कम सिचुएशंस हुई हैं और जहाँ हुई हैं, I know how to handle it. Okay, great. यही होना चाहिए कि सिचुएशंस तो हो सकती हैं, but आपको हैंडलिंग जो है उसकी जरूर आनी चाहिए. We have somebody who's calling us, somebody very beautiful, somebody very important. Assalamualaikum and good morning. Good morning. How are you? I'm good. I'm great, and I'm so surprised. Why? Why? Because the hubby talk is eye opener. Oh, is it? Hi, partner. Hello. Huh. How are you? Good morning. What's up? What's up? Work. 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 अच्छा मंदाना, इन्होंने तो हमें ना सुबह झटका दे दिया है कि यार ये सब कुछ जो हम रिवायती शादी जो है वो तो कोई कामयाब चीज है ही नहीं. सो आर यू अ रिवायती वुमन, अ ट्रेडिशनल नॉर्मल एवरीडे एवरी हाउसहोल्ड टाइप ऑफ? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इफ आई वुड हैव बीन अ रिवायती वुमन देन ही वुड हैव नॉट बीन सेइंग व्हाट ही इज सेइंग. या मैं, मुझे समझ आ गई है सुन के वो सारी बात. तो कितना तो मतलब आपको बनना पड़ा है गैर रिवायती या फिर आप भी यू एग्री? आई थिंक 50-50. आई थिंक वी आर बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर वी हैव बीन ट्रेन्ड एंड टॉट अ सर्टेन थिंग. यू सी आवर पेरेंट्स हैंडल थिंग्स अ सर्टेन वे. तो जाहिर है थोड़ी सी तो हम औरतों ने कहीं से ही सीखा है, हमारी सोसाइटी ने ही सिखाया है जितना ब्रॉट अप हुए. ठीक है, ऑफकोर्स. ठीक है, बट वे थिंग्स चेंज. यू अंडरस्टैंड दैट what should be your priorities and what is meant to be right. ठीक है, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने तो मुझे झाड़ झूड़ दिया यार. मैंने पूछा कि फोन का पासवर्ड बताना जरूरी है, शॉपिंग कराना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है, या फिर और क्या था, गुस्सा पी जाना जरूरी है. नहीं, तो मुझे आप बताओ कि ये सब कुछ है. She can't hear you. हेलो, कैन यू हियर मी मंदाना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ. अच्छा, मैंने कहा आपके मियाँ ने इतना सुबह सुबह जबरदस्त वाला झाड़ा, उन्होंने कहा ये क्या बात कर रही हैं आप, ये इनमें से कुछ जरूरी नहीं है रिलेशनशिप में. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, शॉपिंग कराना, साथ घूमना फिरना, वक्त देना, इजहार मोहब्बत करना, गिफ्ट लेके देना, फोन का पासवर्ड तक, यानी अपनी हर एक चीज को शेयर करना, जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाना चाहिए, और गुजारा होता है, कोर्स हो जाना चाहिए. खुशी खुशी गुजारा होता है या बंदा कहता है चलो अब गुजारा तो करना ही है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक वुमेन हैव टू लर्न टू बी इंडिपेंडेंट एंड इन एनी रिलेशनशिप वी आर यूजुअली. आई थिंक मैरिज इज लाइक दैट पैकेज डील जहाँ ये एक्सपेक्टेशन होती है. और ये एक्सपेक्टेशन कभी बुरी है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन रखकर आपने अपनी सारी जिंदगी एक बंदे के एक रिवॉल्व अराउंड करा दी है. सो दैट शुड नॉट बी, मतलब इट्स नॉट अ बैलेंस, इट्स नॉट राइट, it's something that will obviously have consequences. ठीक है, ठीक है. अच्छा, आपकी शादी में दोनों में से कौन ज्यादा क्रेडिट किसको दोगी? क्रेडिट गोज टू अली नूर और मंदाना, कि कौन ज्यादा गिविंग है इस रिलेशनशिप को, कौन ज्यादा अकोमोडेटिंग है कि यार नहीं यार चलो लेट्स फॉर द सेक ऑफ मैरिज, फॉर द सेक ऑफ आर हाउस, फॉर द सेक ऑफ आर किड्स. वो मैं उधर देख ही नहीं रही है बात करते हुए, मैं ऐसे करते हुए बात कर रही हूँ. आई थिंक ये दोनों को करना पड़ता है, कभी जब मैं नहीं करने के मूड में होती हूँ तो वो करता है, जब मैंने अभी हैट्स ऑफ करना है तो मैंने वो हैट्स ऑफ आपको करना है या अली नूर को करना है? हम दोनों को करना है. दोनों को, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. इट्स द मोस्ट इंट्रीगिंग, मोस्ट जिसे कहते हैं ना डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज, जिसके बारे में आज मैंने सुना है, बट वंडरफुल. आप लोग एक बड़ी पॉजिटिव एग्जांपल है इस लिहाज से कि इस ऐसे मौसम में जहां लोग बहुत जबरदस्त इजहार मोहब्बत और चांद तारे तोड़ लाने की बातें और दुनिया कदमों में ढेर कर देने की बातें करने के बाद इवेंचुअली दे एंड अप डिवोर्सिंग एंड हैविंग देयर ओन लाइफ, यू गाइज आर हैविंग अ वेरी, जिसे कहते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच एंड गोल, जो सुनने में शायद अच्छी नहीं लगती, बट यू गाइज आर टुगेदर, यू आर लिविंग टुगेदर, यू आर हैविंग शेयरिंग योर लाइफ टुगेदर, which is actually the reality. We are working together, so that's even harder than any other marriage. I think the most important thing, we share the same maqsad. Same maqsad, and that is? And that is that we want to give back to life like we took from it. जिंदगी जिस तरह लेते हैं तो वापस भी देना. ठीक है. वो हर अपने तरीके से इंसान ने लेना है. ठीक है. उस जो मुझे इसकी आज बात सुन के बहुत खुशी हो रही है कि जो इंडिपेंडेंस है औरत की, उनको ये बनाना जो है ना, ये 8 मार्च को पैदा हुई थी. अच्छा. तो ये वुमेन्स डे पे पैदा हुई है. ओ। तो एक हमारी जो मेड थी, इनको कॉन्स्टेंटली मंदाना के बजाय मर्दाना बाजी बोलती थी, मर्दाना मर्दाना. अच्छा। She couldn't get to see the end part of it.
तो मैं कहता था कि देखो वंदना, तुम्हारे अंदर का जो मर्द है ना, हाँ, वो तुम्हें इंडिपेंडेंट करता है, ठीक है, और मेरे अंदर की जो औरत है वो मुझे तुम्हारी तरफ सेंसिटिव करती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आई थिंक हम लोगों को एक चीज मैंने रियलाइज की कि आप मुझे बताइए कि मर्द का फीमेल होती है औरत, इंसान का फीमेल क्या होता है? इंसान का फीमेल मतलब को होता ही इंसान होता है। तो ह्यूमन इज नॉट मेल एंड फीमेल, ह्यूमन इज बियॉन्ड मेल एंड फीमेल, ह्यूमन इज अबाउट हैविंग अ कनेक्शन ऑन वेयर यू फॉरगेट के कौन औरत है कौन मर्द है, तो फिर उससे फ्लर्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो आपका एक और वो मकसद से बनता है। सही। अच्छा मंदाना यार, घर में लड़ाई नहीं होती होगी ना इस बात पे कि तुमने खाना नहीं बनाया, अब बच्चों को इस तरह से तुमने अटेंड नहीं किया, घर क्यों गंदा है, फ्लाफ तुमसे हंस के बात क्यों कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों गई थी, तुम्हें फोन किसका आया है? एक्चुअली इसका उल्टा है, मुझे थोड़े से उठी भी है, तो मैं जो वो मतलब घर की सफाइयाँ मेरे लिए प्रायोरिटी है, बच्चे जो है वो मेरी प्रायोरिटी है, चीजें वो मुझे अली नूर डज नॉट नीड टू इंटरफेयर वही बात कर रही हूँ कि आई थिंक हमारे मतलब इट्स नॉट है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, हमारी लड़ाइयाँ बिल्कुल होती हैं, काम की वजह से होती हैं, ना काम करने की वजह से होती है, बच्चों की वजह से होती हैं, बाहर जाने की वजह से होती है, ट्रैवल हम कर रहे होते हैं काम की वजह से मोस्टली, सो इट हैज नेवर बीन लाइक अ छुट्टी वाला, हम लोगों ने हनीमून तो भी कभी नहीं गए, हम गए ही नहीं हनीमून पर, हम गए ही नहीं, हाँ हम हनीमून पे नहीं गए थे, हमारे साथ हनीमून नहीं मना पाए, हाँ मतलब हमारा काम हमें ट्रैवल कराता है और काम का जो स्ट्रेस होता है, यू नो फरा हाउ मच दैट इज, या आई नो पर यार बंदा शादी करता है किस लिए यार, बंदा काम करने के लिए, काम करने के लिए, हम लोगों ने शादी की नहीं थी ना, हमने शादी की काम करने के लिए थी, तो हमसे गलती हो गई, वो अब लगता है दूसरे जन्म में दोबारा शादी करनी पड़ेगी, सब छुट्टी मनानी थी। अच्छा ठीक है, आपको आपकी अपनी प्रायोरिटी की बात है, अगर अगर दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम मैरिज, यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू डू थिंग्स टुगेदर, देन ऑब्वियसली देन यू आर हैविंग सम टाइम अदर देन मतलब आपकी जिंदगी के वो क्या कहते हैं, आप मिलते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप जैसा एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है आपका, वैसे आप रखते हैं, आप आपकी जिंदगी अलग अलग है, आप काम कर रहे हैं अलग अलग, और आप उस तरह फंक्शन कर रहे हैं, क्या बात है यार। अच्छा मैंने वो हैट्स ऑफ दोनों को कर तो दिया है वो, लेकिन एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू, इसलिए बड़ी देर से ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह मंदाना को सारा क्रेडिट इसलिए कि दिस कम्स अ बिट नेचुरली टू मैन, वो इन चीजों को कर सके, हर मर्द बड़ा आइडियलाइज कर रहा होगा सिचुएशन का, देखा नहीं वो ऐसे, लेकिन औरत के लिए ना टू बी to become and to be someone like you, हाँ थोड़ा सा मर्दाना होना पड़ता है, so that is in our society is a big thing, so mandana hats off to you, thank you, good luck, thank you, bye, thank you very much, ये तो आपने गड़बड़ की है, नहीं नहीं मैंने बिल्कुल गड़बड़ नहीं की, मैंने भी तो सच बोला ना, फिर एक खाली आप ही ने मैंने सच बोला, मैंने भी सच बोला, so I really feel it, Zainab क्या ख्याल है, आप नहीं मुझे endorse करोगी इसमें, being woman isn't it difficult for a woman to देखिए काफ़ी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हाँ, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, बट मैं यही कहूँगी कि हर एक की रिलेशनशिप डिफरेंट होती है, हाँ. हर एक की रिलेशनशिप में एक डिफरेंट चैलेंज होता है, हर एक की रिलेशनशिप में यू वांट समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ इट, ठीक है, सो इफ दिस वर्क्स फॉर देम व्हाटएवर अरेंजमेंट दे हैव, तो वेल हो सकता है ये किसी और के लिए ना काम करे, हो सकता है कोई और चीजें, ये जो चीजें आपने लिखी हुई थी हो सकता है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग कि वो जो चीजें जो मैं पढ़ रही थी, मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं जिनके ये इश्यूज होते हैं और मैं देख के हंस रही होती हूं, मैं कहती हूं ये क्या है, आई जस्ट इंटरप्ट यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जस्ट फॉर वन सेकंड, हम लोग सोसाइटी में जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, पढ़ो लिखो, मजहब की चीजें सिखाते हैं, नमाज पढ़ने के आते हैं, हम सब के सब कुछ पिकअप करते हैं कुछ नहीं करते, और वो नॉर्मली हमारे एनवायरमेंट के नॉर्म्स होते हैं, एक जमाना था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था कि एक लड़की रोड पे सिर्फ दुपट्टे के बगैर जाती थी, हाँ, हम ऐसे मुड़ के देखते थे, एंड नॉट इन इन अ नेगेटिव वे, इट वाज जस्ट हमें
देखा नहीं था कभी ऐसा, आज हमें कॉर्ड तरह है और आज मेरा नहीं ख्याल वो उसको इतना बड़ा बिग डील रह गया है. सो हम लोग जो फॉरवर्ड थिंकिंग भी थे, हमको हम तो थे ही थे मगर बाकी लोगों को भी होना पड़ा. इसी तरह मैं सिर्फ जिस चीज पे आप लोग का जहन डालना चाहता हूँ कि चेंज आता है, हर चीज में चेंज आ रहा है, हम सब रिकॉग्नाइज करते हैं. सवाल यह है कि एक इंसान का जिंदगी का मकसद है क्या, सबका क्या होना चाहिए है? एक तो मकसद होना होगा ना कि जिंदगी में जिंदगी को बेहतर करना है और उस तरह बेहतर करना है जैसे जिंदगी को बेहतर करने का हक है. अब वो नॉलेज से आता है जैसे उन्होंने कहा. तो नॉलेज की परसूट जो है वो बेसिकली हर इंसान का एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. शादी से ज्यादा, बच्चे पैदा करने से ज्यादा, सब करने से ज्यादा नॉलेज की परसूट. और नॉलेज एक पढ़ाई वाली नहीं होती कि जानना कि इस वक्त कैसे होगा कोई काम. जैसे इन्होंने कहा कि मैं अपनी जो जो कोई बंदा भी एंकर बन सकता है. तो जब इन्होंने नॉलेज की बात की तो मैंने कहा यार ये देखो जो बात कह रही है ये एक जमाने में कॉमन फैक्ट ही नहीं था, आज ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट. तो एक सोसाइटी में आपकी क्या ख्याल है एक किसी भी, क्योंकि सोसाइटी से बार बार मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि शादी उसका हिस्सा है ना, शादी से सोसाइटी नहीं बनती, सोसाइटी से शादी बनती, ठीक है. तो उसमें कोई तो रोल होगा आपका. बिल्कुल. अब आप कहें कि भाई किसी के लिए मोबाइल फोन इम्पोर्टेंट है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट क्या वो होना चाहिए? क्या एक लड़की को घर में बैठ करके सिर्फ रोटी पकानी चाहिए? ये बात हम कर रहे हैं. बिल्कुल सही. अगर आप कहते हैं कि पकानी चाहिए बिकॉज वो पका सकता है, उसको पकाना चाहिए और हम नहीं पकाते, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आप कहें कि किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ईच टू हिज ओन. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सोसाइटीज डोंट डेवलप, थिंग्स डोंट गेट बेटर जो आप सबको उसके हाल पे छोड़ते हैं. उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं डंडे से किसी को कराऊं, मगर एहसास दिलाना ठीक है, जिम्मेदारी. बिल्कुल सही. डन. अच्छा जी, ब्रेक लेंगे यहाँ पे या फिर मैं आगे चलूंगी? ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. आज हम मिल रहे हैं ज़ैनब अब्बास से, आज हम मिल रहे हैं अली नूर से और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं. इवन ब्रेक में भी बड़ी डिफरेंट बातें हो रही हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सोचते हैं उससे बहुत डिफरेंट. लेकिन ज़ैनब क्या किचन, एक ज़ैनब एक आम लड़की की तरह किचन का काम भी करती है, घर के काम भी करती है, अपने कपड़े की शॉपिंग भी करती है, सारा कुछ खुद करती है. मेरे पास बिकॉज मैं काम कर रही होती हूँ उस तरह से टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे खाने का बहुत शौक है बिकॉज माई मदर इज़ कश्मीरी, माई डैड इज़ पंजाबी, और ये बड़ी लीथल कॉम्बिनेशन है. और जब मैं बाहर पढ़ रही थी तो वहाँ पे उस तरह से आपके पास हेल्प नहीं होती, तो मैं घर का खाना बहुत मिस करती थी. तो इसीलिए फिर वो सारी मैंने रेसिपीज ले के आई लर्न हाउ टू कुक बिकॉज आई वॉज इन अ सिचुएशन वेयर आई हैड टू लर्न. एंड अब मुझे आता बहुत कुछ है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं होता. जब कोई ऐसे वो मूड हो गया या टाइम हो गया तो फिर मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ. तो इफ समबडी कम्स इन योर लाइफ हु स्टार्ट्स टेलिंग यू के ये नहीं करो वो करो और वो नहीं करो, देयर इज नोबडी हु कैन कम इन माय लाइफ एंड डिक्टेट व्हाट आई शुड बी डूइंग और नॉट. मेरी ये पर्सनालिटी ही नहीं है, शायद इसलिए मैं अभी सिंगल भी तक सिंगल हूँ. बट नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होगा. और अगर मैं कुक करना चाहती हूँ या किचन में हेल्प करना चाहती हूँ तो दैट्स आउट ऑफ माय ओन चॉइस. ठीक है, कोई खड़े होके मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम जाओ और अब तुम खाने बनाओ व्हाटएवर. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रॉम व्हाट आई नो अबाउट माय सेल्फ, कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होंगी तो मेरा खुद ही दिल चाहेगा कि मैं कुछ यू नो कुक करूँ. या अच्छा, कॉम्पिटेंस लेवल की जब बात होती है तो समहाउ पीपल एसोसिएट कॉम्पिटेंस मोर विद मेन. उन्हें लगता है मर्द पायलट जहाज ज्यादा अच्छा चला लेगा, मर्द सर्जन सर्जरी ज्यादा अच्छी कर लेगा, मर्द क्रिकेट एनालिस्ट और एंकर जो है इज मोर ऑथेंटिक मोर नॉलेजेबल. तो आपको कभी ऐसे फील हुआ है सिटिंग अमंग आपके मेल जो वो सारे कह लें कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर कोलीग्स? हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता. देखें, जो लोग इनहेरेंटली अगर सेक्सिस्ट हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती. बट अगर मैं और एक कोई और बैठ के एक बात पर डिबेट कर रहा है और मैं उसको फैक्ट्स और फिगर से बैक कर रही हूँ, ठीक है, देन ही कांट टर्न अराउंड एंड से टू मी कि नहीं आता. बल्कि मेरे दोस्त जो मेल फ्रेंड्स हैं मेरे, वो तो मुझे कहते हैं कि इसको तो लड़कों से ज्यादा पता है. सो मेरे लिए तो ये पता लड़कियों को ज्यादा ही होता है, ये मैं आपको सीरियसली पता ज्यादा बेहतर होता है मेरे एक्सपीरियंस में. ठीक है, नहीं डेफिनेटली अगर आपको एक चीज एक फील्ड में आपको है पता है उस चीज के बारे में, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये कभी प्रॉब्लम होना चाहिए.
जैसे कि मैंने कहा है, अगर किसी की सोच ऐसी है, अगर सोच ऐसी है किसी की कि औरत तो नहीं आ सकते है वो, लाइक मैं अपने सोशल मीडिया पे, आपको पता है ट्विटर वगैरह पे आपके सबके अकाउंट्स होते हैं, मैं पढ़ रही होती हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली आपके अभी तक अवाम में ऐसे लोग हैं जो मुझे इस तरह के कॉमेंट्स आते हैं, आप जाए किचन में जाके रोटी बनाए या यू नो क्या पहना हुआ है या इस तरह की चीजें, मगर अभी ऑब्सोलीट बातें होगी, ये ओल्ड स्कूल हो चुके हैं, जिस तरह होता है ना पुराना ओल्ड थिंकिंग, सो ये इतनी देर चलेगी नहीं, कुछ अर्से बाद जैसे दुपट्टा फंडामेंटलिस्ट होते हैं जो लिख रहे होंगे, साइबर बुलिंग थे, बट वो होता है कि आप किस तरह डील करते हो, यू हैव टू रीड इट एंड जस्ट इग्नोर इट, यू नो। अरे मुझे नहीं पता है स्पोर्ट्स का कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पे हम लोग कुछ स्पोर्ट्स में उनकी तस्वीरें चलाने लगे, सो आपने एक तो हॉट नॉट हमें बताने में से हु इज योर फेवरेट वन यू लाइक एंड हु इज द वन जो इतना अच्छा नहीं भी लगता है, ठीक है, लेकिन ये साथ साथ नाम भी बताते जाने कि कौन कौन हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, क्योंकि मुझे तो नाम नहीं पता, मेरी जो नॉलेज आप भी करेंगे, you familiar with this person? Absolutely none. मैं कोई क्रिकेटर करवा ले तो मैं आपको बता दूंगी, फुटबॉल के ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनका तो सबको ही पता है, रोनाल्डो का सबको पता है, ये मुझसे आप क्यों करवा रही है, हॉट और नॉट, मतलब है कि यू लाइक इट और नॉट, दिस योर लाइकिंग, आपको सिर्फ इसलिए मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज डाली है, नॉट द क्रिकेटर्स, आई डोंट, आई ऑनेस्टली डोंट डू दिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डोंट लाइक व्हेन यू आर इन द फील्ड एंड यू आर जजिंग, नॉट क्रिकेटर्स इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, जस्ट फुटबॉलर्स, we can have our own personal, that's the price you have to pay knowing sports, now you do it, yeah. I don't, so Ronaldo who's the next, aapko pata hai abhi ye baat kar rahi thi na ki knowledge and all those things, isi wajah se hum log badnaam bhi hain, kyun kehte hain ki ha ye to dekh rahi hai because she is looking at how hot he is and how if he's not hot, but now that we are aaj aapke sare fundamentals na question ho rahe hain, par aap log to aap jaake apne director se lad rahe hain, hot means favorite, not means not your favorite, okay, hot means purely for this game I'm going to do it and you can start and I'm just going to start playing this, okay, then Ronaldo, is he your favorite? He is everybody's favorite, you know what I like about him, ab ye wahi baat aa jayegi, his fitness regime is unbelievable, theek hai, मैं आपको बताया ना, पैशन इज अनमैच्ड, मैं उस तरह से मतलब आई वॉच क्रिकेट मोर, फुटबॉल को मैं उतना फॉलो नहीं करती इसलिए मुझे नाम उसे से, बट इसका मुझे इसलिए पता है बिकॉज इसका आया हुआ है अबाउट हाउ ही कीप्स हिज फिटनेस, मतलब ये आदमी सुबह 5 बजे उठता है, इसका एक पर्सनल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये ब्रेक लेके नाश्ता करता है, ही गोज टू स्लीप फॉर एन आवर, देन ही ट्रेन्स विद हिज टीम, ठीक है, most that of them is inspirational, yeah, to keep that life, aap 9 baje sona, ek wo religious regimented regime follow karna, aap dekhte ho वैसे for your knowledge information morning show ke log bhi isi ko follow karte hain, because if we don't sleep at 9 we cannot get up every day at 6 and we cannot work every day like this, so hum log bhi usi regimental routine ko follow kar rahe hain, next who's next, oh naam kya hai iska, David Beckham, okay, I like him. Acha, next kaun hai? I don't know. I German footballer hai. From Germany. German footballer hai. हाँ यार, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं किसी को उठा के अगर और नॉट कर दूँ तो फेवरेट नहीं होते. अच्छा, क्रिकेटर्स में who's your favorite cricketer? अब आप किस सेंस में बात कर रही हैं? Good batsman, good fielder, good bowler. Somebody who's a so you should say good, not hot there, yeah, right? Yeah. So from the current lot, Shadab Khan. Okay. Okay, because he's going to be a star. अभी जो देख रहा है, जो cricket follow कर रहा है, उससे बड़ा कोई I think he has that spark in him. Past में वसीम अकरम. उससे थोड़े पीछे past में कौन था? जावेद मियादाद, इमरान खान. हाँ. The legends that we have. ये मेरी तस्वीर भी लगा रही है, ये सेल्फीज आ गई है ना, वेरी फेमस सेल्फीज. I went for the Champions Trophy and युवराज, ये वो मैच है जो अगर आपको याद होगा हमने इंडिया से शुरू में हारा था, ठीक है, तो मैं लंदन में थी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पिक्चर्स विद ऑल द स्टार्स दैट आई हैव सीन, कोहली के साथ, फॉन्ड ऑफ सेल्फीज एंड पिक्चर्स, हां शॉकिंग है, यू नो आई एम, ये इनकी मैं बात कर रही थी, सबसे ज्यादा मुश्किल सेल्फी खिंचवाना किसके साथ था? Everybody knows who he is. Yeah. The greatest footballer. ये आए हुए थे यहाँ पे एक्चुअली लाहौर में जी,
खेलने तो जो फुटबॉलर्स एक पूरे आए थे टू सपोर्ट आरएनएफ फुटबॉलर्स जी ये मेयर ऑफ लंदन है सादिक खान ये भी आए थे अगर अपॉर्चुनिटी यूके के मेयर है आई गेस यस लंदन लंदन के लंदन के ओके एंड नेक्स्ट सेल्फीज ये हैं जी बिपाशा बासु ये आई थी टी टेन के लिए और आप भी टी टेन के लिए गई आई वाज होस्टिंग इट होस्टिंग का प्रेशर जब पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है एंड यू हैव टू गो इन दैट वो स्पॉटलाइट एंड लाइमलाइट तो वो स्टेडियम का प्रेशर होता है कुछ स्टेडियम का ये कि नॉइज बहुत ज्यादा होती है आप मतलब कि एक साइड से प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश कर रहे होते हो पीछे इतनी नॉइज होती है बट यू नो यू कैन कवर अप इफ यू नो योर स्टफ सो आई फील ये सहवाग ही वाज देयर फॉर टी10 इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपको इंडियंस प्लेयर्स से उस तरह से मौका नहीं मिलता बट ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट इंडिया हैज हैड बेस्ट ओपनर्स स्पेशली इन टेस्ट सो ये अगेन टी टेन था शारजा में बड़ा मजा आया इट वॉज अ ग्रेट टूर्नामेंट शॉर्टर फॉर्मेट छोटे होते जा रहे हैं जी टी ट्वेंटी टी टेन अब पता चलेगा पांच ओवर की क्रिकेट आ रही है सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ठीक है अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले व्हाट वुड यू लाइक टू बी You have to I would not like to change anything. I think I'm very blessed and I love what I do. Mujhe nahi lagta ki mera kaam jo hai kaam hai. And the biggest thing like he said is that I feel like I'm making a difference. When somebody comes to me, jab koi ladki aake ya mujhe messages itne aate hain ki you know aap ki tarah humne ki agar field mein aana hai banna hai wo to wo mere liye bahut badi baat hai. Ki aap us tarah se ek change la rahe ho because you see hamari industry mein especially in the sports industry you don't have a lot of women. Yeah. So, lots of women क्या मतलब we can count them on fingers एक दो मुश्किल से इससे पहले analyst I am familiar with Alia Rashid only जो कि रही हैं हमेशा से and then जो दूसरा खातून के बारे में मैंने जाना है वो आप है उसके अलावा तो कोई कभी सरफेस कर ही नहीं सकी so it's a I am sure it's a great effort and great opportunity as well so Thank you very much Zainab for being with me. Thank you very much Ali for being with me. आपने आज बहुत हमें कहा सुना ना? नहीं नहीं मुझसे नहीं जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उसको वो करें Because I thoroughly enjoyed the conversation. Wonderful having you both. Wonderful knowing you both. ख्याल रखिएगा अपना और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा Have a wonderful weekend. मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे मंडे को उस वक्त तक आपकी हर सब खुशगवार हर खुशगवार सबका अंजाम बखैर हो अल्लाह हाफिज़ ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवा